लाइव हो चुका, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जवर सिंह। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है फास्ट एंड फ्यूचर में, आज हम आपके सामने ऐसे ऐसे नेताओं को लेके आए हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुत बड़ी महारत हासिल की है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कितनी जो है परेशानियां झेली हैं, आज हम उन्हीं के मुखारबिंद से हम आपके सामने उनसे उनकी कहानी का बखान करवाएंगे। और उन्होंने यहाँ पे जो हमारे सिस्टम पे क्या मुकाम पाया है और आगे वो क्या करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब लीडर जिसको मैं लेके आया हूँ आज, दो साथियों को, और आप उनको देख भी रहे होंगे जैसे कि हमारा सेशन चलता है। तो पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, मेरे बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है, और उनका नाम है अब्दुल हमीद जी। तो मैं चाहूँगा अब्दुल हमीद जी आप आए मंच पे और अपना हमारे साथियों को इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए, और आप न्यू में क्या रैंक पे हैं ये बताइए सर प्लीज़। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और मैं न्यू TNG में, मैं एक्चुअली बैंगलोर से हूँ, बैंगलोर कर्नाटका से, और यहाँ पे मेरा रैंक है टॉप मैनेजर। एज ए टॉप मैनेजर मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। मैं दूसरे हमारे जो साथी हैं, दूसरे हमारे साथी जो कि झारखंड बिहार से हैं, और बहुत ही कम समय में इन्होंने भी बहुत अच्छी जो है मुकाम हासिल किया है, आज मैं उनसे भी सुनना चाहूँगा कि वो भी अपने अनुभव को बताएंगे जीवन में उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। यहाँ पे अपने मंच पे अपने मुखारविंद से वो आप लोगों के सामने अपनी जीवनी रखेंगे। और ये प्रोग्राम जो होता है तीन स्टेप पे हम लोग कर रहे हैं, फास्ट पे एंड प्रेजेंटेशन एंड फ्यूचर, ये हम तीन स्टेप पे ही तीनों लोगों से बात करेंगे। तो वन बाय वन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो प्लीज वेलकम मंच पे, आपका स्वागत है मिस्टर राजेश रजाक जी। राजेश रजाक जी अपना वीडियो ऑन कीजिए और प्लीज मंच पे आइए। राजेश कुमार रजाक जी, थैंक यू राजेश कुमार रजाक जी। और आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड नाइट है, अकॉर्डिंग टू डे। मेरा नाम राकेश कुमार रजक है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं इस कंपनी में एज ए लीडर मैनेजर काम कर रहा हूँ, और साथ में मैं NLCI मैराथन 360 में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कंपनी का और इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी आप सभी के बीच में अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं जबर सर का और पूरी न्यू टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो राजेश जी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि काफ़ी उन्होंने तैयारी की है, काफ़ी उन्होंने लगा कि हम अपने ऑडियंस को बहुत सारी अपनी जीवन की कहानी बताएंगे। वाकई में आज एनर्जी लग रही है राजेश जी आपके अंदर। मैं चाहूँगा एनर्जी के साथ साथ जब तक आपका नंबर आता है आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे, साथियों से अनुभव अपना साझा करेंगे, तब तक मैं चाहूँगा आप अपना जो है जो अपना लीड है लीड को सही कर लें जिससे कि वाइब्रेशन की स्थिति ना बने। थैंक यू। तो मैं दोबारा से चलता हूँ क्या नाम है अपने अहमद जी के पास जा रहा हूँ। अहमद जी से मैं जानना चाहूँगा कि अहमद जी आज मैं देखो शुरुआत करना चाह रहा हूँ अलग तरीके से, आज तरीके से अलग से शुरुआत। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए आपने जो सफ़र स्टार्ट किया, क्या आप बता सकते हैं सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, यानी मैं फास्ट पे चल रहा हूँ, आपको क्या ये ज्ञात है कि आपने कितनी उम्र थी आपकी जहाँ से आपने स्ट्रगल चालू किया, क्या आप ये चीज़ें, देखो बहुत ही डिफिकल्ट होता है अपने बारे में लोगों को बताना,
लोगों के बारे में जानना, सुनना, लोगों पे बात करना, कमेंट करना, ये दुनिया करती है, लेकिन जब बाजी आती है अपनी, अपने अनुभव की, जो आपने खोया, जो आपने पाया, जब वो बताने की बात आती है, वाकई में जब आदमी जे सीख लेता रियल लाइफ में, तो एक कहानी का हिस्सा बन जाती है अपनी जिंदगी का। मैं चाहूंगा कि आप अपनी वो कहानी के हिस्से, वो पल हमें बताइए जिससे लोगों को लगे कि हाँ मैं भी ऐसा ही था, हाँ मेरे साथ भी ये घटना घटी, हाँ मैं भी ये बन सकता हूँ। तो थैंक यू सर, मंच आपके हवाले है, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए जहां से मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया, अपना जीवन स्टार्ट किया, और क्या क्या आपने अपने पास्ट में खोया, क्या पाया, और क्या आप मैं पास्ट पे ही रहूंगा, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन पे आपसे आऊंगा। मैं चाहूंगा पहले आप पास्ट बताइए, फिर हमारे राजेश जी बताएंगे, उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन कीजिए, बताइए, फिर आप राय, तो इस तरीके से मैं क्रम बाई क्रम करूंगा, और मेरे ऑडियंस को मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए आपकी जीवनी सुन के। तो थैंक यू, मंच आपके हवाले, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी देने का, और थैंक्स टू हरी सर एंड न्यू और ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने का मेरे सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने के लिए। तो पहले मैं अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मैं बागलकोट कर्नाटका में मेरी पैदाइश हुई, और फिर बाद में से मैं मेरा जो ब्रॉटअप हुआ बेंगलोर में, जैसे मेरी स्कूलिंग हुई और उसके बाद में मैं बेंगलोर आया स्टडीज़ के लिए, और फिर बाद में से जैसे मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद जो मैं आपका आवाज़ कट गया सर, आवाज़ सही कीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है सर अभी? ओके सर, मैं एक्चुअली कर्नाटक का बागलकोट में पैदा हुआ हूँ, और वहाँ से ही मेरी स्कूलिंग हुई है, और फिर बाद में से मैं स्टडीज़ मेरी वहाँ बेंगलोर में हुई है, और ग्रेजुएशन वहाँ पे हुआ है, और उसके बाद जो है मैं वहाँ से मैं बहुत सा रेपुटेड कंपनीज में आईटी इंडस्ट्री, जैसे अकॉर्डिंग टू माय ग्रेजुएशन मैं आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया, और बहुत सारे 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, 10 साल मैंने काम किया रेपुटेड कंपनीज में, डिफरेंट एमएनसी कंपनीज में। तो वहाँ पे मतलब कंपनीज में जब हम जब काम करते रहते हैं, मतलब जैसे मैंने टेलीकॉम सेक्टर में मैं काम करता था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। तो जैसे हम जॉब वहाँ पे करते थे, तो मतलब हम लोगों को मतलब हमारे टेलीकॉम सेक्टर में ऐसे होता था, जब सब लोग इंजॉय करते, जब हम लोगों को काम करना रहता था, टेलीकॉम सेक्टर ऐसा था कि अगर बताओ मैं अगर 31 दिसंबर में लोग जो है ना इंजॉय करते हैं, मतलब फर्स्ट एक तारीख का इंतजार करते हैं न्यू ईयर के लिए, तो हम लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है, सारे लोग जो है ना इंजॉय वहाँ पे बैठ जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, क्योंकि इसलिए काम, हाँ नहीं, अच्छा एक बात बताओ, मैं हमीद जी आपसे जानना चाहूंगा, मेरे ऑडियंस जानना चाहेंगे, जो टेलीकॉम सेक्टर से आपने जो है एकदम से जो जो चेंज किया, ये चेंजिंग कैसे कैसे आए आपके अंदर, मतलब एक साथ तो चेंजिंग आए नहीं, क्या आपने एनालिसिस किया इसके बीच में जो कि आपके अंदर चेंजिंग आने, चेंजिंग एक साथ नहीं आते, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी चेंज को एकदम स्वीकार नहीं करती, तो आपने ये सारी कैसे चीज़ें स्वीकार की, मतलब आपकी बॉडी ने ऐसे कैसे ऑब्जेक्ट किया कि मुझे बदलना चाहिए? हाँ सर सही, क्योंकि मतलब एक्चुअली सर टेलीकॉम सेक्टर में ऐसे होता है, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर रहता है, मतलब हमेशा 24 आवर्स हम लोगों को काम करना रहता है। ओके सर, जैसे मैं बता आपको 31 ऑलरेडी, तो नाइट में हम लोगों को नाइट में हमको बैठना रहता है, कि मतलब क्या होता है एक तारीख को जब न्यू ईयर आते रहता है, तो हमको 31 नाइट हमको ऑफिस में बैठना रहता है नाइट में, तो लोग है ना विश करने के लिए एक साथ कॉल करते हैं एट ए टाइम, तो वहाँ पे हाई लोड होता है, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम लोगों को वहाँ बैठना रहता है। तो हम हमेशा जो है ना ऐसे ऐसे मतलब जब जब फेस्टिवल आता है, तो हम जब उस रात में जो है ना हम ऑफिस में जाते हैं और बैठते हैं काम करते रहते हैं। तो यहाँ मतलब इस तरह से मतलब हमारा यही प्रोफाइल ऐसे था आईटी इंडस्ट्री में, मतलब हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते थे सब्सक्राइबर्स का टेलीकॉम ऑपरेटर्स में। तो मैं डिफरेंट कंपनीज में गया, लेकिन 10 साल मैंने काम किया, मतलब बहुत ही मुझे लगा कि 10 साल के बाद भी जो है ना मेरा जो कुछ भी मेरे जो चेंजेस नहीं है, मतलब जो मतलब 10 साल के बाद मुझे एक एहसास जब हुआ कि मतलब 10 ईयर्स के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था, मतलब कुछ मैंने पैसा भी नहीं बनाया था, और मेरे जो कमिटमेंट्स थे उसके वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे
काइंड ऑफ ट्रैप में हो गया था. मतलब मैं वहाँ पे मतलब कुछ भी मेरा सेविंग नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो मैं जॉब करते करते मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं. तो उसके बाद जो है हम मेरे कलीग्स थे तो मेरे दोस्त भी थे, तो हम जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने रिजाइन कर दिया जॉब को. तो हमने स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की, फजी लैब्स बोल के. आज भी गूगल में अगर आप देखेंगे फजी लैब्स आपको दिखाई देगा, वो हमने लोकेशन पे ऐड किया था. तो हमने स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की तीन लोगों ने. तो उसके बाद जो हम एक 6 to 7 months 9 months तक हमने फजी लैब्स में स्टार्टअप में काम किया. और उसके बाद भी जो है आपको चाहता है, अगर एक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारी जो है ना चीज़ें चाहिए रहता है स्टार्टअप के लिए. मतलब उसके बाद मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट, फंड की बहुत ज़रूरत रहती है. तो मतलब फंड हम लोगों को नहीं मिलने की वजह से, उसकी वजह से हम लोग उसको शट डाउन करना पड़ा. तो उसके बाद हम जो फिर अगेन हम अकेले रहे. तो फिर बाद में से सब लोग अब वो जॉब चले गए. तो लेकिन मैं जॉब नहीं क्लाइम किया, मतलब जॉब में फिर वापस मैंने गया नहीं. तो मैंने सोचा कि मतलब अभी जो मतलब हम लोगों को एक टाइम फ्रीडम मुझे मिला था, तो उस टाइम पीरियड में मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, मतलब मैं खुद कुछ करूँ. तो उसके बाद मैंने थोड़ा ब्लॉकचेन में स्टडी किया था. तो उसके बाद ब्लॉकचेन में स्टडी करने के बाद तो मैंने ट्रेडिंग से भी स्टार्ट की. तो ट्रेडिंग करते करते फिर बाद में से ट्रेडिंग में आप पता उसमें आपको लाइफ चेंज नहीं कर सकते. उसके अंदर फ्यूचर में आप जो करना है आप उसको कर नहीं सकते, मतलब जो ट्रेडिंग में मतलब जब हाँ हो जाता है मतलब आपका गुजारा. तो इस टाइप में था एक्चुअली. तो ये मेरा जो है ना यहाँ तक मेरा जो पास्ट है तो सिंपल, तो यहाँ तक मैं अभी आ गया था. तो उसके बाद हम कॉमन क्रिप्टो ग्रुप में हम लोग मैं अल्ताफ सर को मिला था. अच्छा, बहुत अच्छा. तो मतलब आपको ट्रेडिंग का भी अनुभव है, यानी कि हमारे ऑडियंस को जो हमारे व्यूअर्स आज देख रहे हैं फेसबुक पे, तो उनको एक एक एक्स्ट्रा ज्ञान और आपसे मिल सकता है, यानी आपकी स्टोरी में से उनको कुछ सीखने को मिल सकता है, वो है ट्रेडिंग का पार्ट. यानी कि अगर हमारे जो व्यूअर्स आपसे अगर पूछना चाहेंगे तो आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं. बहुत अच्छा है. अच्छा, उसके बाद जैसे अभी मैं आपसे अभी आप हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप जो प्रेजेंट में जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्या आप उसमें क्या अर्निंग कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ पे क्या प्राप्ति हुई, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपको अनुभव है. मैं मानता हूँ बहुत अच्छा अनुभव आपको पता लगा कि ट्रेडिंग का, आपको आईटी विभाग का बहुत अच्छा अनुभव है. बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को, मतलब क्रम बाई क्रम, कड़ी बाई कड़ी अगर हम जोड़ के चलते हैं, देखते हैं कि वाकई में हमने मेहनत की है, वाकई में अब्दुल हमीद यानी कि जो हैं उन्होंने एक मतलब इस छोटे से परिवार से उठ के आज जो मुकाम हासिल किया है. तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को आप बिल्कुल धैर्यता से, शालीनता से आप अपने आज के बारे में बताएं. आज यानी प्रेजेंट, क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए? यस सर, डेफिनेटली. थैंक यू सर. इससे पहले थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा. तो मैं अल्ताफ सर से मिला था क्रिप्टो ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में. तो उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था मई 2019 में उन्होंने मुझे बताया था इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जब हम कॉमन ग्रुप में मिले थे. तो मई में एक महीना मुझे उन्होंने मेरे से बात करते रहे, चैटिंग करते एक महीना. तब जाके मैं जो है ना SW की शेयर्स लिया था एक महीना. और उस एक महीने में मैं पूरा खामोश हो गया. और मैं उनको थैंक्स भी बोलता हूँ कि उन्होंने इस मुझे प्लेटफॉर्म में लेके आए. आई वॉन्ट टू थैंक माई अपलाइन, क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट किया. तो उन्होंने मुझे एक महीना मुझे उन्होंने बताते रहे, मतलब फॉलोअप करते रहे. तो मतलब यूजली होता है जो मतलब थोड़ा जानते हैं तो वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं स्टडी करने में सभी. तो एक महीने सिर्फ 100 यूनिट के SW शेयर्स लेके मैं खामोश हो गया एक महीना तक. तो उसके बाद थोड़ा मैं जब मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं उसको क्या है थोड़ा ओपन करके देखा कि अकाउंट. तब मैं सारा जो है ना एनालाइज किया कि मैंने स्टडी करता गया मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में. तो मैंने SW शेयर्स लेके खामोश हो गया. उसके बाद जून में जो है मैंने जब स्टडी किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब स्टडी करता गया तो मुझे मेरा बेस्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एंड्रे सर का प्रोफाइल मैंने देखा अलग अलग उनके वेबसाइट्स में. एंड्रे सर का मैंने प्रोफाइल देखा था उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ा था.
तो उनकी हिस्ट्री के अंदर मुझे एक चीज ऐसी लगी, उनके हिस्ट्री में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं था। उनके हिस्ट्री में जब मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता गया तो हर चीज उनकी हिस्ट्री में सिर्फ मतलब उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस किए, उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस किए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो उन्होंने एक चीज बताया था तो वो न्यू और विजन न्यू विजन एंड मिशन जो उनका था, तो उसके बारे में स्टडी किया। न्यू विजन मिशन मतलब ये बहुत ही अलग था, उनका जो थॉट था बहुत ही अलग था। तो जब मैं उनका स्टडी करता गया मतलब क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट के बारे में, जब मैं SW लेके छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अल्ताफ भाई बोल रहे थे कि मतलब आप क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट में भी आ जाइए, तो उसके बारे में मैंने स्टडी करने लगा। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही यूनिक जो थॉट्स थे अंडे सर के, वो मैं बहुत अच्छे से स्टडी किया। मतलब तो ये बहुत ही अलग थॉट है, मतलब आप पीस बिल्ड कर रहे हो क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट के थ्रू आप पीस बिल्ड कर रहे हैं, ओके, वार नहीं लाना चाहते हो वर्ल्ड में, क्रिप्टो यूनिट को बिल्ड करके मतलब क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट के थ्रू आप न्यू पीस बिल्ड कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। तो क्योंकि लोगों को जो है ना, ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, मैं यहाँ पे रोकूंगा, एक जगह रोकूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो होगा आपका वर्किंग क्षेत्र, इसके अलावा यानी प्रेजेंट में आपने क्या क्या चीजें हासिल की हैं अभी तक आपने हासिल क्या किया कंटिन्यूस? यस सर, तो ये चीजें मैं एक्चुअली देखा और देखने के बाद जो मैंने ज्वाइन किया, और प्रेजेंट में जो मैं एक्चुअली जो रैंक अचीव किया है मैंने, ओके, मुझे नहीं लगता था ये मतलब ये रैंक मैं अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्ट पागलपन की जो तरह काम करता गया। मुझे एक्चुअली 6 महीने मैंने बैंगलोर से हैदराबाद से मैंने ट्रैवलिंग की है, 6 मंथ बैंगलोर में 3 महीने मैंने काम किया, और 3 महीने सिर्फ मैंने 6 महीने मैंने ट्रैवलिंग किया है बस। लोगों को लगता है भाई ये तो उस टाइम में एक्सप्रेस था, रैंक एक्सप्रेस आया हुआ था तो हो गया, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं। वहाँ पे इतना हम लोगों को मेहनत करना पड़ा, हम जब हम लोगों को फीवर भी रहता था तब भी जब हम खड़े होकर बात किए हैं वहाँ हैदराबाद के अंदर, मतलब 6 महीने हम लोग सिर्फ ट्रैवलिंग किए हैं हैदराबाद से बैंगलोर तक। नहीं, मैं ये क्या जानना चाहूँगा, क्या मेरे साथी जानना चाहेंगे, हमारे फेसबुक के साथी जानना चाहेंगे, आपने शादी कब की, शादी के बाद आपको क्या कितने बच्चे प्राप्त हुए, आपकी वाइफ कैसी है, आपके मदर इन लॉ कैसे हैं, मतलब ये हमारी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी पे भी आपसे जो कि पास्ट में था मैं यहाँ पे जोड़ के चल रहा हूँ, मतलब आपने अचीवमेंट ये भी तो किया है, ये अचीवमेंट बताने में क्यों शर्मा रहे हो? नहीं, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एट द एज ऑफ 28 ईयर ओल्ड, जब मैं 28 साल का था तो तब मेरी शादी हुई और मेरी एक बेटी भी है, और उसके बाद मैं तभी उस टाइम पे भी मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा था, और फिर बाद में से जैसे आप बताएं कि मतलब मुझे अभी कैसे हमने रैंक अचीव किया, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है मतलब इस रैंक अचीव करने में, तो एक 6 महीने का, तो हम मतलब इवेंट से पहले जो हम लोगों ने बहुत सारा मतलब ट्रैवलिंग हमने बहुत ज़्यादा किया है इस रैंक अचीव करने में। हम लोगों को पता चल गया था कि क्या न्यू विजन मिशन पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, तो सारा चीज़ करने के बाद हम लोगों को एक चीज़ पता चला है, स्ट्रगलिंग बहुत हुआ है, और फिर बाद में से बहुत टीम के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे ऐसे टाइम पे काम किया है कि जहाँ पे हम उस टाइम हमको काम ऐसे लगता था कि मतलब ये हो नहीं पाएगा, ऐसे वक्त भी हमने काम किया है जब हम लोग उस सिचुएशन में नहीं थे, उस सिचुएशन में भी हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है और काम करके इस रैंक को हमने अचीव किया है। बहुत ही ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 6 महीने स्ट्रगल किया, मेहनत की, आप हैदराबाद टू बैंगलोर, हैदराबाद टू बैंगलोर गए, अच्छी बात है, 6 महीने आपने जो है सफर किया बसों के माध्यम से या प्राइवेट वाहन के माध्यम, तो इस दौरान ये 6 महीने के बाद आपको एक समय ऐसा भी तो आया होगा कि जहाज में भी बैठने को मौका मिला होगा, ये मेहनताना आपको हासिल, ये अचीवमेंट मिला या नहीं मिला यहाँ से? रिसेंटली मिला है सर, मिला है। वो कब मिला? मतलब हम कॉर्पोरेट में हम घूमते रहते थे मतलब प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे जो हम लोगों ने शुरू किया, जब फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवलिंग किया था, जब हमारा इवेंट हुआ था, हमने जब हैरिस सर आए थे बेंगलोर के इवेंट के लिए, उनके साथ हमने हैदराबाद ट्रैवल किए थे, और हैरिस सर के साथ उस हैदराबाद में जो इवेंट था, तो वहाँ पे हमने उनके साथ ट्रैवल करके उस इवेंट को सक्सेसफुल किया था, बहुत
उस टाइम में हम फर्स्ट टाइम, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहली बार जो आपने ट्रैवलिंग की बाय एयर वो इंडिया के डायरेक्टर के साथ, वाओ। हाँ हाँ, मतलब न्यू में हरी सर और ध्रुव सर के साथ, मतलब ये सपना आपका साकार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में, उसके बाद सर, उसके बाद हमारा काउंसिल मेंबर में हम पहले से थे ही, लेकिन पता नहीं था मतलब काउंसिल मेंबर की इतनी मतलब वेटेज है, और टॉप मैनेजर मतलब बहुत बड़ा ये रैंक है। मतलब टॉप मैनेजर हम लोगों को शुरुआत में मतलब लगता नहीं था, मतलब टॉप मैनेजर में इतना टॉप मैनेजर मतलब इतनी वैल्यू है, टॉप मैनेजर की मतलब रैंक की इतनी वैल्यू है, हम लोगों को पता नहीं था पहले तो। सब भी जब भी हम कहीं जहीं भी जाते थे नाम नहीं पूछते लोग, सिर्फ रैंक के स्टेटस के हिसाब से क्या रैंक है ऐसे ऐसे पूछते थे, मतलब जहाँ पे भी हम जाते थे। मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ूंगा आपके लिए, फिर मैं राजेश जी के पास चलूंगा, आप उस पर बताए। आप जो है इसके इससे जो है बाई ईयर आपने एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट प्राप्त किया, और वो भी इंडिया के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी के साथ। बहुत अच्छा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मौका मिला, हमें भी मिला, हमें मौका मिला था गोवा जाने में। तो उसके बाद आप गोवा भी तो गए होंगे, गोवा का सेमिनार आपने देखा होगा, वहाँ भी आप गए होंगे, वहाँ पे भी आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, वहाँ पे आपका जो पहला अचीवमेंट हुआ होगा वो ऐसे सक्सेस हुआ होगा जिसको हम अगर मिलने जाएं आज, मेरी अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम रुपया लगेगा 3 लाख, am I right? तो वहाँ पे मैं वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी डाल, ये जीवन के जीवन के आपके वो पल हैं जिन्हें मैं क्रोध रहा हूँ आपको, आप बता रहे हैं। डेफिनेटली गोवा में जब हम गए थे, मैं आपको क्या बताऊं, गोवा में जो 3 दिन हमने गुजारा था तो उस ट्रेनिंग में, तो उसमें बहुत ही बहुत बहुत इंजॉय किया था हमने, और 3 दिन बहुत लोग साथ थे हमारे, अल्ताफ सर थे, देवा सर थे और आमिर शाबाज, हम सब लोग साथ में एक ही रूम में मतलब रहते थे, अलग अलग लेकिन सब लोग आ जाते थे एक ही इसमें। लेकिन उसके बाद जो हम जो 3 दिन का ट्रेनिंग हमने अटेंड किया है, तो वहाँ पे कभी हमने, मैं इस तरह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया था जहाँ पे ग्लोबली लोग वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहाँ पे आए थे। जैसे बोलते हैं अंड्रे सर, मतलब उन्होंने मतलब यहाँ पे के वो इंसान 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 को देखते हैं, मतलब वो कंट्री वाइज लोगों को नहीं देखते, ऐसे प्लानट देखते हैं। तो वहाँ पे जो क्या हुआ था, तो सारे कंट्री के डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए थे, और मेरा बेस्ट जो ये था वहाँ पे मोमेंट, जब मैं अंड्रे सर से टॉप मैनेजर का अवार्ड लिया था। तो मैंने आज तक 10 साल में मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, कॉर्पोरेट में मैंने 10 साल काम किया, आज तक मैंने मेरे सीईओ कोई भी कंपनी को सीईओ को देखा नहीं, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था। कहने का मेरा मतलब ये था, ये पहला अचीवमेंट था कि मैं जिस कॉर्पोरेट में हूँ उस कॉर्पोरेट के सीईओ ने हमारा सम्मान किया, और वो भी मंच के माध्यम से, यानी कि 1000 पीपल थे उस समय, यानी गैदरिंग इतनी थी, 3 दिन प्रोग्राम था। तो ये मेरा, ये आपका सपना जो है, ये सपना आप जब आपको अचीवमेंट प्राप्त हो रहा था, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी अपने दोस्तों के लिए, थोड़ा सा बताएंगे? सर फीलिंग के लिए सब लोगों को सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था, सब लोग मेरे को बताते थे कि भाई तू जॉब करता नहीं, जॉब ढूंढ, जॉब ढूंढ, सब लोग मेरे दोस्त बोलते थे। तो आज मुझे लोग वो कॉल करके बोल रहे हैं तो तू क्या करता है, ऐसे मुझे दोस्त मेरे बोलते थे, मतलब भाई तू जॉब ढूंढ ले, क्या कर रहा है, फैमिली है तेरी, ऐसे मतलब उनको मैं उनको बताता था कि मतलब ये कर रहा हूँ। तो आज वो खुद मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं भाई मेरा जॉब चला गया, मुझे कुछ इसके अंदर हेल्प करो। तो मतलब उनको उनको जो है, जब मैं अवार्ड लिया तो मैं सोशल अकाउंट में डाला था, मतलब मेरे फेसबुक में डाला था, जैसे मैं ये मेरे सीईओ हैं और मुझे मैं टॉप मैनेजर का रैंक अचीव किया हूँ। तो वो मैं बता रहा हूँ, आज उसमें बहुत सारे लोग जो है ना मेरे साथ हैं, वो मतलब उस अवार्ड की वजह से बहुत सारे मेरे साथ जुड़ के हैं, और मेरा बहुत बड़ा मोमेंट था एक्चुअली। मतलब मेरे को यकीन भी नहीं था कि मतलब मैं अंड्रे सर से मैं अवार्ड लूँगा, और फिर मैंने ये मोमेंट में जो है ना बहुत इन्जॉय भी किया था, और बहुत अच्छा लगा मुझे उस, मतलब बहुत बहुत सीखा हमने वहाँ पे, बहुत सीखा। अरमन सर मुझे गाली भी दिए थे एक बार, मतलब हम चाय पीने के लिए गए थे 10-15 मिनट वहाँ पे, तो 15-20 मिनट हम बात करते खड़े रहे, तो अरमन सर हमने पकाया, भागते हुए हमको आए हमारे से, क्या कर रहे हो, मतलब हम सोचे हमारे सामने क्यों भाग रहे हो, तो भागते भागते आए, तुम क्या कर रहे हो, तुम वो भगा दिए। मतलब एक मोमेंट मुझे वो भी याद आ रहा है, आप मुझे बोले कि मतलब ये
गोवा में क्या हुआ है, तो मुझे ये भी एक बहुत हम बहुत हंसे उस दिन और भाग गए फिर अंदर। तो मतलब मतलब ये जो मोमेंट था ये जिंदगी हमने जो आपने जी है, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे जो साथी सुन रहे हैं ना, ये रियल है, ये हम लोगों ने रियल लाइफ जी है। मैं वो चीजें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथी जो अब्दुल हमीद सर है, बेंगलोर से हैं, इन्होंने, इनको लैंग्वेज का भी काफी अनुभव है, काफी इन्होंने अपना जो बताया एक्सपीरियंस बताया, और काफी इन्होंने जो अचीवमेंट हम लोगों ने प्राप्त किया था, वाकई अमेजिंग था यार। क्यों अमेजिंग था, इसको चार चांद लगाने वाले थे मिस्टर अंदराय हुपरा, तो जिनके माध्यम से हमें मिला था। हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि 4.5 लाख से ऊपर का हमारे को गिफ्ट दिया जाएगा, वो भी गोवा के अंदर। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था। चलो मैं आपको अभी रोकना चाहूंगा और आपसे मैं आता हूँ। मैं अभी हमारे जो राजेश रजाक जी हैं, और छोटा है लेकिन अनुभव बहुत अच्छा है, मैं इनके भी अनुभव को जानना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम राजेश रजाक जी, आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए और हमीद सर आप अपना म्यूट कर लीजिए। सर राजेश नहीं सर, राकेश, राकेश रजक, राकेश हाँ, रजक। राजेश रजक जी, हाँ राजेश रजक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे, हमारे ये समुदाय के लोग, हमारे जो इकोनॉमी, हमारा न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के साथी और अन्य पर्सन हमारे जो देख रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आजकल इनके जो जो सेमिनार्स हो रहे हैं, लाइव हॉट सीट आ रही हैं, लाइव इनकी फास्ट एंड फ्यूचर की पिक्चर आ रही हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो ऐसा क्या किया है, हम उस पर बताना चाहेंगे कि हमारे साथियों ने जमीन से उठ के और आसमान की जो ऊंचाई छूने का काम किया है, वो एक प्लेटफार्म के माध्यम से। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपने ये बता सकते हैं, क्या आप अपने फास्ट में ये कहानी बताएंगे कि आपने शुरुआत जो की है वो किस उम्र से शुरुआत की है, एक एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम, यानी अभी तक आप और हम इंडिपेंडेंस रहे हैं, फ्रीडम तो हो ही नहीं पाए, क्यों फ्रीडम अब हो पा रहे हैं समय के अनुसार, क्योंकि इंडिपेंडेंस पापा के साथ थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने अपने पापा का हाथ, अपने मम्मी का हाथ कब से बटाना चालू किया, यानी कौन सी ऐसी उम्र थी, कौन सी लक्की ईयर था जिसमें आपने थोड़ा सा अपने पिता का सहारा बनने के प्रयास किया, अपनी माँ का सहारा बनने का प्रयास किया, और आपने उस दौरान, यानी आपने, आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कितने हैं, आपने अभी तक, यानी फास्ट की आप थोड़ा सा हमारे को रोशनी डालें और बहुत जी अच्छे से एक्सप्लेन करें, हमारे सभी व्यूवर्स आपको लाइव देख रहे हैं। थैंक यू। तो ये मंच आपका है, अब आप बताइए। सर, धन्यवाद। सबसे बड़ा बात है ना कि सर जो स्टोरी होती है, अपनी जो स्टोरी होती है वो शेयर करना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। और मेरी जो स्टोरी है वो काफ़ी दर्द भरी है, काफ़ी तकलीफों से भरी है। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो सकता मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं चाहता हूँ कि लाखों लाखों करोड़ों लोग मेरी स्टोरी को सुने, और अगर उसमें से अगर एक भी लोग इंस्पायर होते हैं तो मेरा ये आपका स्टोरी बताना सक्सेस होगा। तो सर सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मैं बिल गेट, हमारे जो सर बिल गेट, उनका एक कोटेशन है, मैं उनसे काफ़ी मतलब कि इंस्पायर्ड हूँ। वो उनका कहना है कि यू पी हैव बोर्न इन पुअर फैमिली, दैट इज़ योर नॉट मिस्टेक, बट यू हैव डाई इन पुअर फैमिली, दैट इज़ योर मिस्टेक। आप अगर गरीबी में जन्म लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, बट अगर गरीबी में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। तो सर मैं इसी के साथ अपना जर्नी स्टार्ट करूंगा। मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है रोहतास, रोहतास ज़िला, और वहां पे रोहतास किला भी है, वहां पे वो राजशाही राजवाड़ा इलाका है, और वहां का एक छोटा सा प्रखंड है जिसका नाम है नौहट्टा प्रखंड, और नौहट्टे प्रखंड से छोटा सा एक गाँव है आनंदीकर, मैं उस गाँव से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? सही जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। हाँ तो जैसा कि मैं बिहार से हूँ और बिहार के रोहतास जिला से बिलोंग करता हूँ, नौहट्टा प्रखंड से, जो गांव का नाम है वो है आनंदीकर। ओके और मेरा जो ननिहाल हुआ वो हुआ झारखंड में गढ़वा जिले में, ठीक है। तो मैं बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जैसे वो ठेले पे खोमचे वगैरह बेचते हैं ना, सुनते हैं ना, ठेले पे मिठाई फल वगैरह बेचते हैं। तो मेरी जो फैमिली थी वो भी थी, मेरा बहुत पहले मिठाई का दुकान हुआ करता था ठेले पे, तो
तो इस ठेले पे मैंने भी समय बिताया है, मैंने भी मिठाई बेची है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरा जो पढ़ाई का जर्नी रहा है वो बहुत ही तकलीफ, बहुत ही दर्दनीय भरा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं, मेरा शुरू से इच्छा था पढ़ाई करने का, मैं चाहता था, पढ़ना चाहता था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। बट बहुत ही गरीब परिवार से था, यहाँ तक कि जब मेरी एडमिशन हो रही थी 2000 नहीं सॉरी मुझे लगता है कि 94-95 में जो भी हो रही थी हाई स्कूल में, जा मतलब 6 या 7 में नाम एडमिशन हो रहा था, तो मेरे पास उस समय 90 रुपीज लगाए थे। तो मेरे पिताजी के पास 90 रुपये भी नहीं थे कि वो मेरी एडमिशन करा सके। तो मुझे लगा एक बार कि शायद मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, बट मेरे पिताजी ने एक बार गाँव गए, गाँव जाकर के वहाँ से किसी से 100 रुपये कर्ज मांग करके आए और उन्होंने मेरा एडमिशन कराया 90 रुपये देकर। तो मैं स्कूल गया, पढ़ने लगा। शुरू में तो लगा लोगों को कि ये लड़का पढ़ेगा नहीं, बट मैं, मेरी रुचि थी स्टडी करने का, मैं करता था। फिर मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद मेरे घर वालों ने जिज्ञासा कि नहीं अब शायद ये लड़का पढ़ेगा, तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैट्रिक पास करने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना, ऊपर लग जाते हैं पंख, नहीं अब मैं कॉलेज में जाऊँगा। तो सर हुआ यूँ कि मैं 10th के पहले मैं NCC जो नेशनल कैडेट कोर्स है, जिसको सेकेंड लाइफ ऑफ कंट्रोल बोला जाता है डिफेंस में, तो मैं उसमें भी रहा। तो उस दौरान NCC के दौरान मुझे इतनी चीज़ें हमारे अंदर कूद कूद के भर दी गई है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट वाली बातें, मेहनत ही बना दिया जाता है NCC में। लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने पैर पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। यहाँ तक कि NCC में जो भी कैडेट रहे होंगे और जिन्होंने अपना समय दिया होगा अच्छा खासा, वो कहीं भी रहेंगे वो कमा खा लेंगे जी लेंगे, वो इतनी ऊर्जा उनके अंदर भर दी जाती है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मुझे NCC का, और मैंने लगभग 3 सर्टिफिकेट हासिल किया है कॉलेज में भी। वहाँ से सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद मैंने रांची में एडमिशन लेने का प्लान किया साइंस में, मुझे साइंस लेकर पढ़ने का इच्छा था, बट वहाँ पे पैसों के कारण मैं एडमिशन नहीं ले पाया। उसके बाद मैं वापस अपने गांव आया कि भाई ठीक है मैं यही एडमिशन ले लेता हूँ साइंस में। मैंने एडमिशन साइंस में लिया और 4-6 महीने पढ़ने के बाद जो मुझे स्टाइपेंड के पैसे मिलते थे उससे ट्यूशन का फी भरा करता था। 4-6 महीने मैंने ट्यूशन का फी भरा, उसके बाद वो पैसे ख़त्म हो गए। वापस मैं जो था कि मुझे 6 महीने बाद अपने जो स्ट्रीम होते हैं, जो संकाय होते हैं, उसे आर्ट्स में कन्वर्ट करने पड़े। एक समय तो ऐसा भी आ गया था मैं सुसाइड करने जा रहा था कि मैं साइंस ही पढ़ूंगा अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा, बट मेरे घर वाले नहीं थे, सक्षम नहीं थे, वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। मेरे पास जितने भी स्टाइपेंड के पैसे थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। और किसी ने मुझे समझाया कि एटलीस्ट अगर आर्ट्स भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट पढ़ोगे तो कुछ तो पढ़ोगे, साइंस में लिमिटेशन है बट आर्ट्स में लिमिटेशन नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आर्ट्स में किया, उसके बाद मैंने आर्ट्स में इंटरमीडिएट किया। उसी तरह से उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ और पार्ट टाइम में क्या करूँ, तो मैं बहुत, मेरे घर की स्थिति बदतर हालत थी, अच्छी नहीं थी, तो मैंने कपड़े की दुकान में भी काम किया 600 रुपये महीने में, तकरीबन 6 महीने काम किया, काम करके पढ़ते गया। और मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद मैं फिर चला गया कॉलेज में, ग्रेजुएशन फर्स्ट किया। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, उसी दौरान कॉलेज में जाते हैं, तब जाते हैं कि लोगों में अट्रैक्शन होता है, लोग के थोड़ा पढ़ने निकल जाते हैं, लोग थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो मैं भी सस्ता नहीं रहा, मुझे भी वहाँ किसी मतलब कि लड़की से प्यार हुआ और फाइनली हमने लव मैरिज किया, मेरी लव मैरिज है और वो भी बाई रिलीजन है, बाई कास्ट नहीं, बाई रिलीजन है। मैंने समाज से दुनिया मुझे तो राकेश ये लग रहा था तू तो रुला के ही छोड़ेगा भाई, लेकिन चल तूने एक खुशी की खबर तो दी कि लव मैरिज की, थैंक यू, कंटिन्यूज कीजिए, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो मैंने लव मैरिज की और दुनिया से सबसे लड़ा। उसके बाद एक्चुअली स्ट्रगल मेरा स्टार्ट यहाँ से बहुत 3 गुना और चालू हो जाता है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं पार्ट 1 में ही था और मेरी लव मैरिज हो गया। घर वाले ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, उन लोग बोले कि ठीक है भाई आप शादी किए हो कोई बात नहीं है, आप अपने पैर पर रहो, अपने से कमाओ खाओ रहो, तुम घर में घर से जाओ। उन्होंने सीधे टाटा बाय बाय बोल दिया, बट मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं, मेरी एक चीज़ है कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करता हूँ, निगेटिव तो हर जगह होता है बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहाँ से फिर मैं गया और वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल हुआ, और मैं थैंक बोलूँगा मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ का,
जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया, चाहे हम लोग दुख में रहे हों या सुख में रहे हों, चाहे हम लोग को खाना मिला हो या नहीं मिला हो, या हो सकता है नमक और पानी पी करके सोए हों, लेकिन साथ में उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो हम लोग स्ट्रगल किए काफ़ी, स्ट्रगल करने के बाद मैंने समझिए कि बाहर में हम लोग टाइम देता है, काफ़ी स्ट्रगल किए, ट्यूशन लिया हमने, एक ट्यूशन मेरी 2 किलोमीटर पे है तो दूसरी ट्यूशन 3 किलोमीटर पे है, इस तरह से मैं 3 ट्यूशन लिया करता था और तकरीबन 10 किलोमीटर डेली पैदल चला करता था, और वो ट्यूशन तो मंथली आते कितने थे, 600-700 रुपये। उसके बाद भी घर नहीं चल पाता था, 500 रुपये किराया थे, 700 रुपये आते थे, समझ में नहीं आ रहा है फैमिली है कैसे घर का दाल रोटी चलेगा, मेरे को तो समझ में नहीं आता था। बट एट एंड ऑफ द ये था कि मुझे कुछ करना है, और मेरी वाइफ भी बोलती थी कि आप कुछ अच्छा करोगे, आप घबराओ मत, मेहनत करो, लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। मेरी वाइफ का सबसे बड़ा प्रोत्साहन रहा है, और शादी के पहले मेरी अगर मैं अगर जो भी हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर दीदी है जो जिनका नाम शारदा है, शारदा दीदी का बहुत बड़ा मतलब कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, प्यार है उनका, कि मैं मतलब कि अगर मैं इंटरमीडिएट कर पाया तो उनकी वजह से कर पाया, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा हाथ पीछे कर लिए थे, बट उन्होंने बोला कि नहीं तुम पढ़, तू पढ़ेगा तो पढ़, मैं जो भी बनेगा मैं करूँगा। उसके बाद सर हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर तकरीबन 2 साल बाहर बिताने के बाद हम लोग वापस आए, और वापस आने के बाद क्या हुआ ना कि फिर हम लोग घर पर गए, और हर जगह होती है घर में थोड़ा बहुत कुछ में होता ही है, फिर भी फिर हम लोग वापस फिर से मैं वहाँ पर फिर से जीरो पे आ गए, और फिर से वापस घर से हम लोग घर को हमको छोड़ना पड़ा, फिर हम लोग जीरो से स्टार्ट किए लाइफ अपना जर्नी। इसके बाद मुझे भाई एक बच्चे भी हो चुके थे मेरे तब तक, तो अब खर्चे दुगने हो चुके थे, 3 गुने हो चुके थे, ऐसे की आमदनी थी नहीं, समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या करूँ, भी समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जो इमेज है वो अभी बहुत अच्छा रहा है। तो एक बंदे ने मुझे ऑफर किया, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैंने फेरी वाला काम किया, जो घूम घूम के बेचते हैं ना बैग वगैरह में सामान लेकर के, मैंने मोबाइल ऐसी सीरीज बेचा है घूम घूम करके, सेट टॉप बॉक्स होता है ना DTH का सेट टॉप बॉक्स, मैंने घर घर जाकर के वो भी लगाए हैं, वो उस समय 300 रुपये मिलते थे सेट टॉप बॉक्स के, वो भी जिस पार्टनर के साथ मैं काम करता था 50-50% का हमारा एग्रीमेंट था, उसके बाद उसको भी लालच आ गया कि भैया ये महीने डेली 300-400 रुपये कमा ले रहा है, 600 रुपये कमा ले रहा है, फिर उसने भी मुझे अलग कर दिया कि भैया तुम अपने से व्यवस्था करो, उसने भी हाथ छीन लिया। उसके बाद जब मैं फेरी वाला काम करता था बैग में मोबाइल एक्सेसरीज लेकर छोटे छोटे प्रखंडों में जाकर के बेचा करता था, दुकानों में बेचा करता था, तो वहाँ भी आमदनी अच्छी आने लगी, मैं डेली 500-600 हज़ार रुपये कमाता था, उससे भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि यार सामान मेरा है, ऐसा ये कमाता है, मैं करता क्या था कि उससे सामान लेता था उधार, और मैं दिन भर जितना बेचता था बेच करके उसको हिसाब करके सारा पैसा देता था, और जो भी प्रॉफिट बचता वो मैं रख लेता था, तो उसे भी अच्छा लगना नहीं लगा, फिर उसने भी मुझे मना कर दिया, फिर मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ, वाइफ मेरी साथ में थी एक बच्चे थे, तो फिर मैं कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर मैंने एक जूता चप्पल दुकान में काम किया 1800 रुपये महीने में, तो वहाँ पर मैंने काम किया 2 महीने, 2 महीने काम करने के बाद मैं देखा कि काफ़ी समय बीत जा रहा है, मैं कुछ अलग नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उस दौरान मैं क्या करता रहा कि वाइफ का पढ़ाई जो था कंटिन्यू कराता रहा, मतलब अपने मैंने पढ़ाई रोक दी और मैंने वाइफ का जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू जारी रखा। फिर मैंने पहले वाइफ को ग्रेजुएट कराया 2009 में इकोनॉमिक ऑनर से, मेरी वाइफ ग्रेजुएट हुई, काफ़ी अच्छा नंबर से पास की उन्होंने, अच्छा नंबर लाया। उसके बाद फिर मेरा भी मैंने भी फिर से अपना पढ़ाई जारी किया, मैंने दोबारा उसे रिफ्रेश 2008 में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, फिर से रिफ्रेश करके 8 और 11 मेरा ग्रेजुएशन का बैच रहा है, और मैं एक ऐसा जॉब ढूंढ रहा था जहाँ पर मुझे पढ़ने का समय मिले। तो जहाँ मैं किराए पर रहता था वहाँ पे एक मनोज कुमार शर्मा नाम करके व्यक्ति है, वो जस्ट लाइक एक गॉड के रूप में बनकर के आए मेरे लिए, तो सोचते ना भगवान, अगर आपके बुरे स्थिति में कोई गलत मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है तो जस्ट लाइक वो भगवान से कम नहीं होता है। वो आए और आने के बाद काफ़ी घुल मिल गए, मैंने उनसे बोला कि सर मुझे अगर कोई जॉब है तो मुझे बताइए, तो वो क्या करते थे वाइन डिपार्टमेंट होता है ना, सिंडिकेट बोलते हैं उसको, सिंडिकेट वाइन सिंडिकेट, उसमें वो मैनेजर थे, तो बोला कि भाई मेरे पास तो कोई जुगाड़ है नहीं, दारू की दुकान है, काम करोगे तो बोलो, सेल्समैन की काम है, तो भाई वाइन शॉप में दुकान में दारू की दुकान में दारू बेचना बहुत अच्छा काम तो है नहीं, बट मैं उससे कैलकुलेशन किया, बोला कि ठीक है मुझे समय दीजिए, मैं कैलकुलेशन किया कि वाइन शॉप में कस्टमर कितने बजे आते हैं, सुबह 12 बजे तक आते हैं, उसके बाद फिर शाम के 4 बजे से रात के 9-10 बजे तक आते हैं, एटलीस्ट मुझे पढ़ने के लिए 3-4 घंटे समय मिल जाएगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मेरी सैलरी थी 1500 रुपये,
सर 1500 रुपये सैलरी थी, 500-700 रुपये घर का रूम रेंट था, एक बच्चे था और 20 रुपये डेली का बोलते हैं खुराकी मतलब खाने का मिलेगा, डेली 20 रुपये का खाने का मिलेगा और 1500 रुपये सैलरी। बस मैं इस बात से तैयार हुआ था कि चलो कम से कम एक्सेस मुझे पढ़ने का समय मिलेगा। मैंने जॉब ज्वाइन किया वहाँ पे और मेरा घर से ही तकरीबन 500-600 मीटर पे मुझे उसका वाइन शॉप मिल गया, लाइसेंसी अंग्रेजी अंग्रेजी ब्रांड का वाइन शॉप, और मैंने जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया और मैं अपनी बुक लेके जाता था। और सबसे अच्छी बात थी कि मैं जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो वहाँ पे एक जो मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे या प्रोफेसर थे या लेक्चरर थे या प्यून थे वो मेरे इमेज से बहुत खुश थे और मैंने सबका दिल जीत कर रखा था। यही कारण था कि लाइब्रेरी से किसी को एक बुक मिलता था लेकिन मुझे 8-8 बुक मिलता था एक दिन में, और कंटिन्यू 2-2 महीने 3-3 महीने में रखता था और वापस वो लोग जमा करते थे, किसी को नहीं देते थे बट मुझे देते थे। मैं उन सर लोग का भी आज नाम लेना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं रोल उनका भी रहा है। तो मैं क्या करता था तो वहाँ अपना बुक लेके जाता, अपनी कॉपी लेके जाता, दोपहर में पढ़ाई करता था जम करके, कस्टमर नहीं आते थे, इक्के दूके कस्टमर आते थे। मैं पढ़ाई करता रहा और उसी दौरान एग्ज़ाम लिखता रहा और फाइनली 2011 में 26 जुलाई 2011 को मेरा रिजल्ट आया था, मैं सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन पास किया और वह मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वाओ, और वाइफ ये मतलब आपने 2011 में ये जो है अपना एग्जाम देके जो प्राप्ति की जो 2011 के बाद अच्छा ये मैं थोड़ा सा इसमें आपको घुमा के लाना चाहूँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अब आप ये बताओ बहुत काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, काफ़ी अच्छा सा उसको जोड़ते हुए लेके आना और यहाँ तक लेके आओगे, आज आप प्रेजेंट जो आज प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये जो समय चल रहा है इस समय और उस समय में आपने कैसे बदलाव किया जो इस समय में आप आ पाए, मतलब यहाँ वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था, कौन सा ईयर था जो कि आपको नेटवर्क क्षेत्र में लेके आए, नेटवर्क क्षेत्र आपको मल्टी लेवल का MLCI क्षेत्र में लेके आए, मतलब ये कहाँ से बदलाव आया, कैसे आया, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालो। जी जी, वहाँ पे सर क्या हुआ कि मैं काम करते रहा और वहाँ पे मैं रिजल्ट निकला और एक मेरे भैया हैं नीरज भैया, मेरे वाइफ जो है वाइफ के मतलब अगर मैं कहूँ मेरे बड़े साले के फ्रेंड हुए, तो जब मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने उनसे मुझे मिलाया गया, बोले कि देखो ये मार्केटिंग लाइन में काम करते हैं, तो वो वीजॉन कंपनी आता ना तो वीजॉन सेविंग क्रीम आता है उसका, सेविंग क्रीम शाहरुख खान प्रचार करते थे वीजॉन, उसमें वो सेल्स ऑफिसर थे, तो उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे कंपनी में मेरी बात कराई। तो मुझे आज भी याद है सर कि 26 जुलाई को मेरी रिजल्ट आई थी और मैं 28 जुलाई को मैंने इंटरव्यू दिया था रांची में जाकर के, और 1 अगस्त को मैंने कंपनी ज्वाइन किया और तकरीबन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि उसमें बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है दुकान में, तो मेरे काम से प्रभावित होकर के मेरे जो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने क्या किया था कि मुझे प्रमोट किया कि मुझे उन्होंने मुझे दुकान से हटा करके जो भी लाइसेंस का काम होता है, लाइसेंस को रिन्यूअल करना, लाइसेंस की फ़ी भरना, चालान बनाना, वो सब सारे चीज़ों में डाल दिया। उन्होंने देखा कि लड़का थोड़ा एक्टिव है, जो डॉक्यूमेंट्स हुआ पेपर वर्क कर लेता है, तो उसको यहाँ पर हटाते हैं। उन्होंने मेरा सैलरी भी बढ़ाया, वहाँ पर मेरी सैलरी हुई थी सब 4000 रुपये, तो मैंने वहाँ भी समय बिताया। उसके बाद सर 28 जुलाई को मैंने इंटरव्यू दिया, 1 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया, वो मेरी पहली कंपनी थी, उसका नाम था कलर मेट, जिसका आपका हेयर कलर आता है, ब्लैक रोज काली मेहंदी आती है, हेयर कलर कलर मेट के नाम से आता है, और वो इंडिया की फर्स्ट कंपनी जो अमोनियम फ्री कंपनी थी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा लेकिन इस दौरान भी मैंने काफ़ी कुछ झेला है। वहाँ से फिर मेरी दूसरी जो कंपनी थी वो तकरीबन एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG कंपनी थी, PNG कंपनी में मैं गया और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मिस्टर मिथिलेश झा से, और मैं ज्वाइन किया और डायरेक्ट बोलता हूँ सर मुझे कुछ करना है, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है आप कहाँ से हो, ऐसे मतलब उन्होंने पूछा, फिर बोले कि आपके एरिया में एक बंडा पहाड़ है, बंडा पहाड़ बड़ा सा, बोले कि ठीक है सर हाँ है सही बात है, तो आपको सुबह डेली उठना है और उसको धक्के मारना है। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं सर आप, बोले कि हाँ आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, डेली जाना है, उसे धक्के मारना है, उसे धक्के मारना है हाथ से डेली जाकर के। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया लेकिन मैं सोचा कि कुछ वेट करते हैं शायद कुछ और आगे होगा, मैंने वेट किया। फिर वो बताए कि इसका मीन्स था कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा
उस चीज को सिर्फ आपको फॉलोअप करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने आपको अपने आप को सुनने कर लिया और वहाँ पे सुनने करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनकी टिप्स को ईमानदारी से फॉलो किया। फॉलो करने के बाद जो हमारा मेरा पोस्ट था DSE डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव, और अगर किसी DSE के लिए अगर अवार्ड होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा अवार्ड होगा बेस्ट DSE अवार्ड इन स्टेट, ठीक है। तो काम करता रहा और इसमें एक प्रोग्राम होता है लास्ट में एक बार जिसको बोलते हैं सेलिब्रेशन, कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं, सेलिब्रेटिंग बोलते हैं, जो अपने मतलब एक तरह से रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है, अवार्ड नहीं आ रहे हैं तो उसमें रिकॉग्निशन के लिए जब किया गया तो मैं, मेरी आदत है मैं शुरू में कहीं मीटिंग में जाता हूँ प्रयास करता हूँ आगे बैठने, आगे बैठने से क्या होता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होता है, ज़्यादा सीखने को मिलता है, अच्छे से मैं सुन पाता हूँ देख पाता हूँ। बैठा रहा तो जब DSE का अवार्ड अनाउंसमेंट हो रहा था तो उसने लिखा है बेस्ट DSE गोज़ टू मिस्टर राकेश कुमार रजक, ठीक है, मेरा नाम स्लाइड पे चल रहा है, मेरा मुझे मेरा बार बार नाम अनाउंसमेंट हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकता हूँ कि जो रिवार्ड एक साल में मिलता है मैं उसको 6 महीने में कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, मैं शांति से बैठा रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मेरी बार बार अनाउंसमेंट मेरी नाम का किया जा रहा है, मैं नाम भी सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, मेरा माइंड जो है वो बोल ही नहीं रहा कि मैं ये अचीवमेंट किया हूँ। उसके बाद सर वापस आते हैं मेरी सीट के पास कि मैं सामने ही बैठा था, डांटते हैं, बोलते हैं कि आपका नाम बोला जा रहा है आप क्यों नहीं जा रहे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं दौड़ के गया। उसके बाद वहाँ पे जब लिया मुझे, मैंने 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन मुझे वो सवाल से मिला, मुझे कुछ मिला भी वहाँ से बहुत ही अच्छा, मतलब ये होता है जब खुशी के पल होते हैं तो वाकई में अमेजिंग आदमी नहीं कर पाता है। जैसे अभी एक फिल्म आई थी आपने देखा होगा सुई धागा, हैं सुई धागा वाली देखी, वो वाली कहानी आपके साथ बिल्कुल घटी, सुई धागा वाले वो पार्क में बैठे होते हैं उनका नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब वहाँ बिग कंपनियां बैठी हुई थी, सुई धागा वाले का नाम आ गया, जस्ट लाइक आपके साथ भी वैसा ही हुआ। कंटिन्यू, मैं सर वहाँ पे अवार्ड ले रहा हूँ, सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, मुझे मिक्सर ग्राइंडर प्राइज भी मिला है, उसके बाद फिर कुछ पैसे भी मिले हैं, सब मैं सब ले रहा हूँ, फोटो सेशन भी चल रहा है, बट मुझे अंदर से वो फील नहीं आ रही, वो खुशी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद उसमें 3 लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन इसलिए लगाया कि उनको पता था कि मैं एकदम फ्रेशर नहीं ज्वाइनिंग हूँ, 6 महीने का बहुत ज़्यादा ये तो नहीं मैं कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ ही आपकी एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाती है। तो 3 लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो फिर ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ कि और किन को ऑब्जेक्शन है। हम लोग तीनों का जब डेटा रखा गया डेटा, तो देखा गया कि इसमें 6 महीने में तकरीबन 13 महीने का मैंने अचीवमेंट था, मैंने कभी 100% अचीवमेंट ही नहीं किया, लगभग 100+ पर मंथ अचीवमेंट था। और फिर वही मिथिलेश सर आते हैं, वो बोलते हैं कि राकेश वो याद है मैंने तुम्हें एक डायलॉग बताया था, एक चीज़ बताया था कि पत्थर को धक्का मारना है, आज दिख रहा है वो पत्थर कहाँ चला गया, समझ में आ रहा कुछ बात। तब मैं समझता हूँ वो सर ने कितनी बड़ी बात बोली थी, वो बात आज न्यू यहाँ पे परफेक्ट बैठती है सर, न्यू मैं इस पर न्यू पे और भी बोलूँगा सर आगे, मैं अभी आ रहा हूँ, अब तो मैं थोड़ा सा स्पीड में खींच ले रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपको लाइव फेसबुक पे बहुत सारे लोग यही चीज सुनना चाहते हैं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी कैसे प्राप्त की, इस अपॉर्चुनिटी पे आप कैसे पहुंचे और इसमें क्या आपने हासिल किया। जी, इस दौरान सर मैं काम करते रहा और फिर मैंने 2012 में 11 से 12 से फिर मैंने MBA करना शुरू कर दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन लिया और मैं अपने पढ़ाई को जारी रखा, डिस्टेंस से मैंने काम करते रहा और MBA भी मैंने कंप्लीट किया 2015 में सेल्स एंड मार्केटिंग से, और वहाँ भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में मार्क के 7 नंबर आए हैं। और वहाँ से बात क्या हुआ कि फिर मैंने कंपनी ज्वाइन किया हिंदुस्तान लीवर, उसके बाद मेरा जो लास्ट जॉब था एज ए रिलायंस जियो में एज ए असिस्टेंट मैनेजर था मैं, और मेरे काफ़ी अच्छे पैकेज थे, तकरीबन 6 लाख+ के पैकेज थे मेरे, और तकरीबन 280 आदमी का मेन पावर था और गाड़ियाँ थी, मतलब जो भी एक मैनेजर फैमिली में आता है वो सारी फैसिलिटी मुझे थी। बट उससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरे मुझे इंडस्ट्री में लेके आए, अगर मैं बात करूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट इंडस्ट्री में लेके आए, उनका नाम है मिस्टर गौतम कुमार, गौतम सर मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ, गौतम सर का मैं नाम लेना चाहूँगा। वो मुझे 2000
पहले से मेरी जान पहचान थी, बट उन्होंने बार बार मुझे ट्राई किया, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट में सेल में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वही मेरे भी माइंड सेट था, क्योंकि इसमें लोग कुछ हो नहीं पाता, लोग सब कुछ नहीं पाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली उन्होंने आया और वो मुझे एक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में लेके गए। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में लेके गए तो क्या चीज़ था, मैं उसमें काफ़ी स्टडी किया और स्टडी किया तो बोला कि ये तो समुंदर है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दो महीना, दो साल, चार साल, दस साल स्टडी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े समुद्र है वो। और ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ी चीज़ है, इन फ्यूचर में एवरीथिंग, हर काम ब्लॉकचेन से ही होगा, एवरीथिंग। तो वहाँ पे था, तो मुझे, मैं उसमें काम करते करते तकरीबन एक साल मुझे हो चुके थे और मैं, मेरी स्थिति पहले से सुधर चुकी थी, अच्छी हो चुकी थी, और मैंने 2012 में पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तकरीबन 4 डिसमिल का एक प्लॉट खरीदा था। और यहाँ पे मैं एक बार और ऐड करूँगा अपनी वाइफ के बारे में कि वो मेरे लिए लकी नहीं, बहुत ही लकी है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आई, तो स्ट्रगल ज़रूर रहा है बट बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं, उनकी वजह से शायद मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। साथ ही मेरा जब मेरे साथ 2 बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं, और मेरा जो बेटा हुआ वो तकरीबन 2008 में पैदा हुआ था, तो वो भी मेरे लिए लकी है, बहुत लकी है। तो अभी हम लोग इसी चीज़ करते गया, करते गया, तो हम लोग एक चीज क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने लगे, काम करते करते वापस मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। फिर फाइनली मैंने जॉब छोड़ा 2000 रिलायंस जियो में, क्योंकि मैं एक ऐसे, मैं इससे पहले ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करने में चला गया था जहाँ पर मेरी अर्निंग अच्छी हो गई थी, बट एजुकेशन स्किल अकॉर्डिंग टू नेटवर्क इंडस्ट्री का कम था मेरे पास, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं शॉर्टफॉल हुआ, मतलब कि वो कंपनी फ्रॉड की, वहाँ कंपनी के मैं बहुत बड़े हायर पोस्ट के लोगों ने फ्रॉड किया, उसमें काफ़ी मैं लाइबिलिटी में तो नहीं आया, बट मेरा जो इमेज था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि मैं अपने इमेज से बहुत प्यार करता हूँ शुरू से, मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखे रह जाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा, बट इमेज पे इफेक्ट नहीं आने दूँगा। बट उस कंपनी से काफ़ी मैं मतलब कि इन्फेक्टेड हुआ और वापस मैं बोला कि नहीं भैया मैं तो नहीं आऊँगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। बैक टू पवेलियन वापस मैं जॉब ढूंढने लगा और जॉब मुझे मिले भी, बट पता नहीं क्यों मन बोल रहा था कि नहीं एक और लास्ट टाइम, एक और लास्ट टाइम। और उसी दौरान क्या हो रहा था कि न्यू का मेरे पास, उस समय तो स्विग नाम से था, तो मेरे पास उसका अपडेट आ रहा था व्हाट्सएप पे। तो होता क्या है कि जैसे आपको भी, मुझे आपको भी या जो भी नेटवर्क खेलते होंगे उनके पास डेली एक ना दो प्लान आते हैं, एक प्लान, दो प्लान, कोई ना कोई इतना बड़ा सर्कल हो जाता है कि कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो मेरे पास भी आ रहे थे इसके स्विग के, बोला कि यार ये तो डेली आते हैं, मैं क्यों विश्वास करूँ, मैं फिर मुझे जाना ही नहीं है, दैट इज मुझे जाना नहीं, मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया। और एक बार मेरी लाइफ में भूचाल आया 2019 में, जब वो कंपनी बंद हुई, बहुत बड़ा रिस्क झेला मैंने, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुआ, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हुआ, बहुत ज़्यादा झेला मैं, और मेरी लाइफ का सबसे जो ब्लैक, मतलब कि बोला काला दिन, काला दिवस के रूप में मैं मई महीना को मानता हूँ, मई 2019 को मानता हूँ मैं। और उसी दौरान मेरा जो संपर्क हुआ वो रितेश सर से हुआ और एक हमारे डीपी तिवारी सर हैं, उनसे भी संपर्क हुआ। फिर मैंने डीपी तिवारी सर को बोला कि सर मेरी एक आईडी लगा दीजिए, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में करूँगा। उन्होंने आईडी लगा दी, तो मैंने ये मैंने बिटकॉइन का एक माइनिंग पूल खरीदा हुआ था, वहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन डेली माइनिंग होकर के आते थे, वहाँ पे तकरीबन $102 या $103 के BTC पड़े हुए थे जो मैंने विड्रॉल कर दिया। और रितेश सर से मेरी मुलाकात हुई, मतलब बातचीत हुई उसी दौरान June 2019, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग, सेकेंड और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था न्यू में आने का। 1 जून को मेरी आईडी लगी थी, बट ग्रीन हुई थी वो तकरीबन सर लगभग 26 जून। $102 से मैंने स्विच का पैकेज लिया था, ठीक है ना। उसके बाद 21 जुलाई को रांची में प्रोग्राम था, हैरी सर थे और ड्रैगो सर थे, और मुझे मालूम चला, तो मैंने सर को ऑलरेडी बोला रखा था, रितेश सर को, कि रितेश सर जब भी कभी इसका कहते अगर इस इवेंट हो, सेमिनार हो, तो आप मुझे लेके जाइए। और यकीन मानिए उस वेबिनार में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, 100 रुपये, फिर से वापस 0। 100 रुपये भी नहीं थे कि मैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर मैं दूर जाकर के रितेश सर के पास जा सकूँ, बट मैंने हिम्मत करा, मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे फर्स्ट मुलाकात हुई मेरी हैरी सर से, और इधर काफ़ी अच्छा वेबिनार रहा। उस समय
कंसल्टेंट रैंक के लोगों को सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और नहीं भी लग रहा था। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी वहाँ समय रैंक या अचीवमेंट कुछ भी नहीं था, मैं जीरो था। उसके बाद वहाँ पर मीटिंग हुआ, मीटिंग में काफ़ी इवेंट काफ़ी मैं प्रभावित हुआ ड्रैगो सर से और हैरी सर से। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो सीखने की चीज़ें हैं। और कहावत है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो सीखना बंद हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। एक लेवल के बाद हमेशा रुकते चले जाएंगे, ब्रेकअप लगते जाएगा। तो मैंने वहाँ पर सीखा और सर से बात की। बात करने के बाद काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया और वहाँ से एक्टिविटी शुरू हुआ। और एक्टिविटी शुरू क्या हुआ, मैं वापस बड़े बड़े लीडरों के पास गया कि भाई मैं पहले जान रहा हूँ तो मैं अपने एरिया में जाऊँगा, धमाकेदार लॉन्चिंग करूँगा इसका और सारे लीडर मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँगा। मैंने बहुत सारे जो इमेजिनेशन है वो कर लिए दिमाग में। बट मैं जब गया तो उन लोगों की आईडी तो लोगों ने लगवा दिया बट वो ग्रीन नहीं कर। मैं एक महीना झेल गया कंटिन्यूस, एक महीना झेल गया। उसके बाद लोग, मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझे दौड़ा रहे हैं, सरका रहे हैं, बट कोई मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, किसी की बातें नहीं करूँगा, किसी के कुछ कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करूँगा। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करूँगा, जो लोग आना है आए, जो लोग नहीं आना है मत आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। मुझे जितना करना होगा करूँगा, हो सकता है मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा तो शायद अपनी लाइफ और कुछ लोगों का लाइफ बदल सकता। फिर वहाँ से मैंने शुरुआत किया और 31 जुलाई को मेरे पास क्रेडिट कार्ड था जिसमें तकरीबन 95,000 का क्रेडिट था, मतलब कि उसका लिमिट था। और मैंने 31 जुलाई को इवेंटी का जो VIP क्लब पैकेज था $1,000 का मैंने खरीद लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं उसका EMI कैसे भरूँगा या मैं उसको अगले महीने जो उसमें ग्रेस पीरियड टाइम मिलता है 35-40 दिन वो मैं कैसे भरूँगा, मुझे ये समझ में नहीं आया। बट मैंने खरीदा, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया सर, क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, बैंक बैलेंस खत्म हो चुके थे, मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के फ्लैट का किराया था तकरीबन 5,000 रुपये, बच्चे मेरे 2 हो चुके थे, एक बेटा मेरा 2018 में पैदा हुआ वो भी मेरे लिए लकी रहा, खर्चे 3-4 गुने बढ़ चुके थे, महीने का 25-30 हज़ार रुपये खर्च थे, ऊपर से मैंने हाई रिस्क ले लिया। मैंने जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक लोन ही होता है सर, उसको आपको 35-40 दिनों में भरने होते हैं, उसकी पेनाल्टी भी बहुत ख़राब होती है, 18% के हिसाब से जाते हैं। तो मैंने रिस्क लिया। यहाँ पे जो आपने क्रेडिट कार्ड से पैकेज जो लिया था वो क्या लिया था, मतलब ये तो समझ गया क्या होना था क्या नहीं, आपने ऐसा लिया क्या था जिसके पीछे आप ये सारी कहानी जुड़ गई कि 18% लगता है, 5% लगता है, वो एक रियल है, वो लगता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप प्रेजेंट में आ गए, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया जिस कंपनी की बात कर रहे हो, उस कंपनी में आपने ऐसी कौन सी चीज ली, कौन सी चीज ली जिससे आपकी जिंदगी में आज बदलाव आया है? बदलाव का नियम है रजाक जी, प्लीज। सर इसमें 2 चीज़ें थी। पहला चीज़ कि सबसे बड़ा चीज़ था कि वो यहाँ पे सर मैंने MBA जब पढ़ा तो उसमें ये बताया गया कि आप मतलब कि बिजनेस कैसे करेंगे, ठीक है, पैसा कैसे कमाएंगे। बट यहाँ पे जो स्टडी मिलती है उसमें पता चलता है कि पैसा कैसे बनाएंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इसमें जब इसके जो एजुकेशन जो API है इसमें पहले API को भी सर भी ऐड हुआ है, बट इसमें क्या होता था कि जब हम कोई पैकेज खरीदते हैं तो इसमें एजुकेशन में पूरा सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि इस पैकेज में ये टॉपिक इतने वीडियो इतने मिनट की ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या करा था कि मैंने एक दूसरे व्यक्ति के जिन्होंने पैकेज दिया मैंने उनके ID से खोल करके देखा था, तो उसके 2-3 टॉपिक मुझे अच्छे लगे, जैसे कि 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड 5 कमांड्स। तो 1-2 चीज़ों को मैंने उसमें इम्प्लीमेंट करके देखा तो उसमें काफ़ी चीज़ों में मुझे लगा कि यार 1-2 चीज़ें अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसमें वाकई में मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो फिर मैंने देखा कि 1,000 यूनिट के जो पैकेजेस हैं, जो इवेंटी पैकेजेस, उनमें क्या किया, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे एक एजुकेशन मिलेगा और साथ में एक ऐसा सेट मिल रहा है जिससे कि इन फ्यूचर मेरे और मेरे बच्चों का फ्यूचर में बदलाव आएगा। तो ये सोच करके मैंने रिस्क लिया और यहाँ से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज मिला है। और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े नेता थे, जिनको क्या बोलते हैं तुक्का मार या बड़े बड़े बॉम्ब बोलते हैं, मैंने सबका पीछा छोड़ दिया। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा,
बट मैं आपको यूज करना, मैंने जैसे होता है ना कि हर किसी के लीडर के माइंड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि काश ये बंदा मेरी टीम में आ जाता तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता, या उनके नज़रों में वो बड़े बड़े लीडर होते हैं, लेकिन एक्चुअली होता है क्या होता है, अगर कभी कभी बड़े बड़े लीडर फेल हो जाते हैं, ये मैंने फील किया है। और जिन्हें आप छोटा लीडर मानते हैं या जिनके फ्रेशर मानते हैं, अगर उनको आप सही तरीके से ट्रेनिंग दें, सही तरह से एजुकेशन दें, जो प्रॉपर कंपनी का एजुकेशन है वो दें, न कि अपना एजुकेशन दें, जो कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, जो कंपनी के नियम हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बताएं, वो न कि अपने रूल्स और रेगुलेशन बना करके बताएं। सर साउंड नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये कहूंगा आप ये बताइए, वो अलग बात है, आप अपनी कहानी बताइए, आज आप अपनी कहानी पे चल रहे हैं, आज आप नो, बिल्कुल नहीं, आप मिक्स नहीं करेंगे आज, रियल मैंने कहा ना, मैंने शुरू में ही बोला था, अपनी कहानी बताने में हर किसी के पसीने छूट जाते हैं, और वो आ गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला है कि अपनी कहानी टफ है, मैं फिर भी मैं रख रहा हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी समय का अभाव के हिसाब से चलिएगा, और मैं दोबारा से फिर हमीद जी के पास जाऊंगा, कि समय का भी हमें बंधन में, ये टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, अगर जिसने टाइम के ये चीजें सीख ली, टाइम का फाउंडेशन सीख लिया, टाइम को हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना, आपको अपनी कहानी को मात्र 30 मिनट में दर्शाना है, और ऑलरेडी आप 40 मिनट ले चुके हैं सर, थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए। जी तो सर मैंने वहाँ पे रिस्क लिया और आगे बढ़ा, और जब मैं खुद से काम करना शुरू किया, और खुद से काम शुरू करने शुरू किया, तो मुझे मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन क्या सोच रहा है, कौन आएगा मेरे साथ, नहीं आएगा, लेकिन लेकिन हुआ यूँ सर कि ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए जो अनएक्सपेक्टेड थे, अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब कि वो उनको मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि ये मेरी टीम में आएंगे, बट वैसे वैसे लोग टीम में आना शुरू किए, और धीरे 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 किए बढ़ती चली गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे जो 1000 यूनिट के मैंने जो क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था वो मैंने कब भर दिया। मैं यहाँ पे फिर रखूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने प्रेजेंट टाइम में कितना यहाँ से अर्निंग किया, जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, दो चीज समझना, और आप अभी किस रैंक पे हैं, ये चीज। तीसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपका स्ट्रक्चर साइज क्या है, ये तीन चीजों पे आप फास्ट बोलिए, क्योंकि मुझे हमीद जी के पास जाना है। सर अभी जो स्ट्रक्चर साइज है, लगभग मेरा जो रैंक है सर वो लीडर मैनेजर है, और इसमें हैरी सर को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी, क्योंकि आपसे भी मेरी फर्स्ट मुलाकात आई थी हुआ था जब इवेंट का जो स्टिकर सर कलेक्शन हुआ था, जो रिजॉर्ट था द उमराव, उसमें तो वहाँ पे एक्चुअली मैनेजर लोग को बुलाया गया था, बट मैं उस समय कंसल्टेंट था, और वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था हैरी सर ने मुझे कि यहाँ पे कंसल्टेंट को अलाउ नहीं, बट मैंने उनको चैलेंज किया था कि सर मैं अभी 2 घंटे में आपको मैनेजर बन के दिखाऊंगा। तो मैं थैंक बोलना चाहूँगा हैरी सर को कि उन्होंने मुझे इस तरह से इंस्पायर किया कि नहीं आपको मैं अलाउ नहीं करूँगा, आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने विद इन 2 घंटे के अंदर मैंने उनको दिखाया था कि सर ये रहा मैनेजर करेगा, वो हो गया, आज मैं लीडर मैनेजर हूँ। और मैं बात करूँगा तो मैंने अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी और ली है, मतलब 10.5 मिल की प्रॉपर्टी ली हुई है, और मेरा जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 11.5 लोगों का स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारे अचीवमेंट है सर। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इंडिया में रह करके अभी यूनिट यानी कि $ में अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं अभी भी अपने आप को सक्सेस नहीं मान रहा हूँ 100%, क्योंकि मैं अपने आप को सक्सेस तब मानूंगा जब मेरे साथ कम से कम 100, 200, 500 हज़ार लोग सक्सेस होंगे। बहुत जल्दी मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ, राकेश जी बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मैं अब्दुल जी के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा अब्दुल जी से भी बात करूंगा, क्योंकि दोनों से फिर मैं वापसी आता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे तब पूछूंगा कि आगे आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, तब तक आप एनालिसिस करिए, और मैं तब तक जो है अब्दुल हमीद जी के पास यही क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुनने बड़े धैर्य से उन्होंने, बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने हमें सुना, आपको सुना, तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर जो हमीद सर। ओके, अब मैं आपके पास वापस आया हूं, और आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरे ऑडियंस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने फास्ट के बारे में बताया, प्रेजेंट के बारे में बताया, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्या आप हमारे ऑडियंस को बताने की कृपा करेंगे, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं।
ओके थैंक्स सर. फ्यूचर जैसे मैं इतने सालों तक मैं रूटीन काम किया तो फ्यूचर यहाँ पे आने के बाद ही मेरा क्लियर हुआ है. जब यहाँ पे मुझे लगा कि मतलब हाँ मैं मुझे एहसास हुआ कि भाई हाँ यही है, इस प्लेटफॉर्म में मेरा जो है ना फ्यूचर क्लियर होगा, तो मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है फ्यूचर में, और मुझे पता है मुझे किस क्या करना है. मुझे एक चीज़ पता है, मुझे भी अंडे सार के साथ उनकी विजन मिशन से बिल्ड पीस बिल्ड करना है. मुझे वही एक चीज़ पसंद आई पहले से, जो मतलब इन्होंने पीस बिल्ड कर रहे हैं इस न्यू न्यू की आइडियोलॉजी लेके. और मुझे ये भी करना है कि मतलब मेरे जो भी टीम है ठीक है, उनको भी मतलब किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन को उनको ये अंडरस्टैंड करवाना है, ये भी चीज़ है. मतलब वो जो फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे ये अंडे सर के साथ, मुझे भी उनके साथ जो भी उनका विजन मिशन है उनके साथ मुझे काम करना है और पीस बिल्ड करना है, और इस कंपनी के साथ मुझे आगे जाना है, और जो भी मेरी टीम है उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग करवाना है. मतलब ये एक अच्छा काम भी है, उसके साथ हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम लोगों को फ्यूचर में मिलने वाला है, ये मुझे क्लियर है. क्योंकि इस तरह का जो विजन विजन ये कम्प्लीटली विजन विजन जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो इस फ्यूचर के साथ मुझे जाना है, ये मुझे पता है, इसके लिए मैं आज अपने साथ चल रहा हूँ. ओके इसके लिए मैं आज मैं काउंसिल मेंबर भी हूँ. ओके सर. नहीं मैं तो ये जानना चाहता हूँ. अच्छा हमीद जी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा. ये हर लीडर के हर जो जो लीडर होता है वो वाकई में अपनी टीम का विकास चाहता है. जो लीडर होता है वो विकास करता है अपनी टीम का, साथ में विश्वास बनाता है अपनी टीम में. मैं ये तीनों चीज़ों को देख रहा हूँ. आपने टीम लीडर आप हैं ही, आपके अंदर जो है विकास करने का भी बहुत अच्छा जो है नॉलेज है. मैं भी आपसे लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी आपसे प्रेरणा लेता हूँ. प्लस आपका जो विश्वास है, मैं ये जानना चाहूंगा आखिर नीव ही क्यों चुना आपने प्लेटफॉर्म को? बहुत हाँ यस सर. ऐसा इसके अंदर क्या देखा सर? इसमें क्या है इसका इसका फ्यूचर क्या आपको लगता है? इसका फ्यूचर कितना चलेगा? इसके फ्यूचर में आप कहाँ तक लोगों को लेके आओगे? क्या इसका फ्यूचर एकदम सेफ है? डेफिनेटली सर, बहुत सेफ है और फॉरएवर है. ओके मतलब फॉरएवर फ्यूचर है इसका. मतलब जिस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, मतलब न्यू के इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है, ये जो एक जो चीज जोड़ूंगा यहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ सर नई नई चीजें आती हैं, इनको आप क्या समझते हैं? सर नई चीज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. अगर नई चीज आएगी तो ही डेवलपमेंट होगा. अगर नहीं होगा, ये नए नए चीजें अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ऐड नहीं होगी, तो हमारा फ्यूचर, तो जिस दिन हमारा नई चीज ऐड होंगे उस दिन हमारा फ्यूचर फिर और ब्राइट होगा, और आगे हमारा जो हम और हमारे असेट में इंक्रीज होंगे. तो ये चीजें जो ऐड होना है ना, बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है. तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी टीम के लिए अच्छा, कम्युनिटी के लिए अच्छा, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अच्छा है. सो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं, यानी फ्यूचर हमारा अच्छा है. डेफिनेटली सर अच्छा है. ओके एक दिन मैं एक मैं वेबिनार में सुन रहा था, एंड्रयू सर एंड्रयू हॉक सर ने बताया कि मतलब हम प्लान कर रहे हैं 200 साल का. तो उस टाइम में फिर हाँ 200 साल का प्लान कर रहे हैं. तो एंड्रयू सर ने आके हम लोगों को फिर नेक्स्ट उनका सेशन था, उन्होंने बताया, एंड्रयू सर ने बोला 200 साल का प्लान है हमारा. नहीं, हमारा 200 साल तक का प्लान नहीं है, हमारा 400 साल है, 500 साल है, फॉरएवर है हमारा प्लान. सो इस तरह से ही डिजाइन कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि मतलब इस तरह से ही डिजाइन कर रहे हैं. पता चल जाता है लोगों को, मतलब हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं. एक साल हो गया, हम बहुत नजदीक से इस कंपनी को देख रहे हैं. इसमें डीप डाउन जाके हम, आपको भी पता है हम क्या क्या हमारी मीटिंग्स में किस तरह से हमारी बातचीत होती है, तो कितना हम डीप डाउन हम देखते रहते हैं क्या क्या नए चीजें आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस तरह का डेवलपमेंट MLCI ये नए कॉन्सेप्ट में हम पॉइनियर हैं. इस तरह से डेवलपमेंट कोई सोच ही नहीं सकता. और उसके साथ इंक्लूडिंग हमारा एक पीस तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब इस तरह से हम पूरे दुनिया को हम पीस में लाना चाहते हैं. हर एक बंदा, एक रिच और गरीब और एक अमीर आदमी को जो है ना अंडे सर और उनको पैसिव इनकम देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ टेंशन नहीं हो, उनकी सोशल टेंशन में प्रॉब्लम ना हो. सो ये बहुत बड़ी डीप डाउन अंडे सर की थिंकिंग है. तो ये इसको लेके आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली जिस तरह से वो बना रहे हैं ये चीज़ हम देख रहे हैं उनके वेबिनार्स में, तो डेफिनेटली लग रहा है कि फ्यूचर तो मुझे क्लियर है. मुझे क्या करना है अंडे सर की विजन की और मिशन के साथ जाना है, और मेरा विजन मुझे भी क्लियर है मुझे क्या करना है. चलिए बहुत अच्छा, आप बने रहिए मेरे साथ. मैं आपसे अभी लास्ट मैसेज और लूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए आप लास्ट मैसेज क्या देंगे, तब तक वो मैसेज आप तैयार कीजिए. मैं आ रहा हूँ अभी रजाक जी के पास जा रहा हूँ, रजाक जी के पास से आता हूँ. तो रजाक जी आप आइए मंच पे, और मैं आपसे भी वही क्वेश्चन जो कि हमारे हमीद सर के साथ था वही मैं आपसे वापस पूछूंगा कि आपने ये न्यू मिशन
यानी कि ये मेरी बात सुनो, मैं ये जानना चाहूंगा आप अपना स्पीकर सही कीजिए सर, इसे हटा दीजिए, नॉर्मल लीड कर लीजिए अभी, ठीक है सर? हाँ बोलो सर। बहुत कम मौका मिलता है और बहुत हिम्मत जिताया है मैंने आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि सर आज टाइम का लिमिट कॉन्टेक्स में मत लगाइए, और रिक्वेस्ट है आपसे सर कि आप बोलने दीजिए सर, प्लीज़ सर बोलने दीजिए, क्योंकि सर बहुत हिम्मत जुटा पाया हूँ मैं। एक्चुअली मैं बोलता नहीं हूँ स्टोरी के बारे में क्योंकि बहुत दर्द भरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ, अगर बता रहा हूँ तो बता ही दूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मॉडरेशन न लगाए, मेरी जो अंदर की जो फीलिंग का जो बात है उसको निकालने दीजिए। निकालो निकालो। चलिए ठीक है सर, तो मेरी एक स्टोरी और भी चीज़ें छूट गई थी, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी मैं बता रहा हूँ। मेरी मैरिज हो चुकी थी उस समय, मेरी वाइफ मेरी साथ थी, और हम लोग बिहार के भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थे, और बहुत बदते स्थिति थी सर, तो जॉब तो मिल नहीं रहे थे, नई जगह पर जॉब मिलती नहीं है, तो लास्ट में मैं होता ना बिहारी मजदूरी समझते हैं ना, जो मजदूरी के लिए जो काम करते हैं घरों में ईंटे पत्थर में, तो वहाँ पे मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक राजमिस्त्री था जो काम करते हैं घर में, तो बोले कि यार क्या कर रहे हो, मुझे सर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ, मैं चला गया अपने साथ, मुझे काम पे लगा दिया। तो जब काम पे लगाया तो मैंने सीमेंट होता है ना सीमेंट मसाला बना करके सीमेंट माथा पे लेकर दिखा देते हैं ऊपर में पकड़ाते हैं, तो जब मैंने जिसकी माथा पे उठाया तो मेरे आँख में आंसू आ गए थे, और आँखों में आंसू आ गए तो लगा मुझे कि क्या दिन आ गया। बट मैं यहाँ पे मैं अपने मेरे जो ससुर हैं मेरे जो फादर इन लॉ हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनके दो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, वो बोला करते हैं कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, छोटा बड़ा सोच होता है, काम तो काम होता है आप करोगे नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन जो इंसान छोटा काम कर सकता है वो बड़ा काम करेगा, और जो इंसान छोटा बड़ा काम कर सकता है दुनिया कोई भी काम कर सकता है। एक चीज़ और उन्होंने बोला था कि ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेना, कुछ भी कर लेना, मजदूरी का काम कर लेना, कुछ भी काम कर लेना, बट गलत काम मत करना। ये दोनों बातें मेरे ध्यान में आई और मैंने आपसे पूछा अपने हाथों से, और मैंने खुद मिला खुद से मैंने एक्सेप्ट किया उस काम को, और मैंने किया और 10 दिन काम किया सर कंटिन्यूस, और उस समय मजदूरी 70 रुपये थी सर, ठीक है ना, 70 रुपये मजदूरी थी, और मैंने 70,000 का लास्ट में जियो का जॉब छोड़ा था, 70 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये का, मैंने जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और यहाँ पे मेरे लाइफ में जो चेंजिंग आए उसमें दो, जैसे बोलते हैं कि हर सक्सेस या हर एक अच्छे कामयाब या फिर अगर पहुँचे हुए कुछ भी अगर मैं अपने आप को समझता हूँ या इस जगह पे हूँ, तो उसमें दो लोगों का नाम आता है महिलाओं में, एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरी वाइफ है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद जब मैं न्यू में आया सर, तो न्यू में आया तो न्यू में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आया, बट मैं जब हरी सर से मिला वहाँ पे मुझे कुछ लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ है, फिर मैं इसे एजुकेशन सिस्टम में घुसा, क्योंकि एक चीज़ होता है कि जिस सिस्टम में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं हो सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चलता है, तो मैंने यहाँ पे घुसा, घुसने के बाद काफ़ी कुछ दिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है ऐसा जैसे कि हर चीज़ों में लर्निंग, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है आपको, कैसे मतलब कि जॉब लेने वाले कैटेगरी में जाना है, जॉब लेने वाले कैटेगरी में कैसे आप मैनेजमेंट सिस्टम में जाओगे, कैसे आप मैनेज कर पाओगे, इन सब चीज़ों का समझ में धीरे धीरे जाने लगा। और यहाँ पे जब मैं सिस्टम में जुड़ा, काम करते चला गया, रैंक एक्सीव करते चले गए, बहुत सारे लोगों से मिलते चला गया, और उस दौरान अभी हर किसी के लाइफ में तो उतार चढ़ाव आता है सर, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आया है, और अभी आप लोगों के कृपा से आशीर्वाद से और मेरे जितने भी व्यूवर जितने भी चिकित्सक हैं, मेरा सर अपना जो ड्रीम हाउस था उसकी 17 तारीख को छत ढलाई हो गई है सर, छत ढलाई है सर मेरा खुद का अपना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरा खुद का अपना छत हो गया, ये मैं इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा, बट थैंक्स टू न्यू भी मैंने आके सपने देखे थे। आज जुलाई चल रहा है सर, जुलाई का ही महीना है, मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई थी 31 जुलाई से, जुलाई का ही चल रहा है, 17 जुलाई का मेरा घर का छत ढला गया, मैंने खुद का अपना छत हो गया 1 सालों में, और मैं अभी जेल में काम कर रहा हूँ, कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है NLC मैराथन 260 उसमें भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, साथ ही
मैं डिजिटल एसेट की बात करूँ तो मेरे पास डिजिटल एसेट मतलब कि बहुत अच्छे खासे हो गए, मतलब कि मेरे दो पीढ़ी तीन पीढ़ी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। डिजिटल एसेट हो गए हैं और कुछ रियल इस्टेट्स हो गए हैं, कुछ गोल्ड्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस कंपनी ने मुझे ये बता दिया कि आपको पैसा कैसे बनाना है अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। पहले पैसा मैं महीने में कमाता था, अभी मैं दिन पे कमाता हूँ, बाद में घंटे पे आऊँगा, फिर उसका सेकेंड नाम। तो ये कहाँ से मुझे, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ, ये इस कंपनी न्यू की देन है। शायद मुझे अगर मुझे अभी बहुत सारे कंपनी से ऑफर है, उन्होंने वो डायरेक्ट बोल दिया, एक लाइन में बोला कि सर मुझे जिस प्लेटफॉर्म की क्लास थी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं वहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा। और मैंने यहाँ पर खुली कम्प्लीटली 24 आवर्स मेरा सिर्फ काम नहीं, मैं काम करता हूँ कंपनी के साथ तन मन धन से लगा हुआ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और कंपनी ने बहुत कुछ दिया सर मुझे। ओके वही बात तो मैंने पूछा था, आपने कहा हमें पे बाउंडेशन ना लगाएं, मैं वही चीज आपसे कहलवाना चाह रहा था। आप मुझे ये बताइए कि आप अभी आपने अपना पास्ट बताया, प्रेजेंट आप जो प्रेजेंट में हैं वो आपने बताया, आपने कितनी जो मेहनत की वो बताया। मैं वही बात आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर आपसे वही बात जानना चाहते कि हमारा न्यू के अंदर आपकी जो प्लानिंग है, आपकी न्यू की भी प्लानिंग आप बताइए कि हमारी जो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, आप अपनी प्लानिंग बताइए कि हमारी प्लानिंग क्या है, आप ये बताइए कि हमें इस पर कितना ट्रस्ट है, जिससे कि हमारे साथ हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी आपकी कहानी से प्रेरित होके अपनी उनकी भी कहानी ऐसी ही मिलती होगी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतना जो है स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी ये परेशानी झेली, शायद उनके अंदर भी आपकी कहानी सुन के बदलाव आए। तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या आगे आपकी जो फ्यूचर में प्लानिंग क्या है और न्यू की फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है, न्यू के अंदर आप क्या करना चाहते हो, न्यू के लिए आप न्यू में क्या करना चाहते हो। पहले मैंने तो शब्दों को सुनना, आप क्या करना चाहते हो न्यू में और या क्या करने के लिए आए हो न्यू में, जी दोनों चीजों को समझना, ठीक है ना। आप तो अपने सपने साकार करने आए हो या अपने इस न्यू को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस न्यू को इसके फ्यूचर में शामिल होने आए हो, क्योंकि पैसा तो हम लोग कमा ही रहे हैं, तो आप ये बताओ कितना हमें इस पर ट्रस्ट है, क्या हम करना चाहते हैं फ्यूचर में इसके साथ और कितने लोगों का हम फ्यूचर इसके साथ सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ी बता दूँ कि न्यू जो कंपनी है एक्चुअली में ये दूसरों के ड्रीम पूरे करने के लिए आई है, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। न्यू तो हमारा ग्रुप है, हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, न्यू तो हमारा ग्रुप है, पूरी बात विस्तार से आप बहुत अच्छा सा बता रहे हो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हम आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ, आपने समय की बाउंडेशन खत्म कर दी है। सर मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि न्यू जब कंपनी, न्यू हमारी जो कंपनी है ये कई कंपनियों का मिश्रण है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, और इसका इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है कि अभी शॉर्टफॉल के समय में भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर में प्लस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपके ड्रीम है, जो सपने हैं उसको पूरे होंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे होंगे उसको आपको स्टडी की ज़रूरत है, स्टडी करना पड़ेगा। और कंपनी का जो ड्रीम है, जो ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड के 15% लोगों के पॉपुलेशन को जो है कि एजुकेशन दें, वो एजुकेशन किस टाइप का है, ठीक है ना सर। तो वो एजुकेशन है फिनेंशियल फ्रीडम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं न्यू के साथ काम करने के लिए आया हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं नेटवर्क करने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं, मैं कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम करने के लिए आया हूँ। और मुझे ये पता है कि मेरी जो फ्यूचर है, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे ही पूरे होंगे और पूरे हो रहे हैं। ऑलरेडी मेरा फर्स्ट जो था, मेरा जो खुद का अपना घर का था, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर माई साइड, क्योंकि मैंने तकरीबन बहुत दिन बहुत समय रेंट पे बिता दी है। सर म्यूट है, म्यूट कीजिए। ये तो आपका जो है प्रेजेंट का हो गया, मैं जानना चाह रहा हूँ हमारे फ्यूचर का। सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ फ्यूचर में। प्लानिंग बताइए, आगे फ्यूचर की बात बताइए, आपकी क्या तैयारी है। सर मेरी पहले तैयारी कि मैं अपने रैंक पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, और उसको लेकर के मैंने काफ़ी प्लान किया हुआ है। मेरे कुछ एक्टिव लीडर्स हैं और जो इनएक्टिव है वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। क्यों एक्टिव जी, तो मेरे साथ मैं प्रेसिडेंट के साथ साथ मेरे कुछ लीडर्स हैं, मैं सबके लिए प्लान किया हूँ
कि मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रेसिडेंट लेवल पे आओ, ये फ्यूचर प्लानिंग है हम लोगों का और हम लोग इसको अचीव करेंगे बहुत जल्द, हम लोग बहुत जल्द अचीव करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैं जब कंपनी के प्रेसिडेंट लेवल पर जाऊँगा और जिस लेवल से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कंपनी ने बहुत सारी जिम्मेवारियां दी हुई है, जैसे अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपको बोलूँगा, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जिन क्षेत्रों में अभी तक पहुँच चुके हैं जी, अब आपको उनसे आगे क्षेत्रों में जाना है जी, क्योंकि यही हमारी कंपनी का मिशन है। हमारा जो फाउंडेशन, जो हमारी संस्था, जो हमारा जो जिसको हम बोलते हैं हमारा जो हमारा न्यू इकॉनमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका एक ही मकसद है, एंड्राई होगा तो जी का एक ही मकसद है, ऑल वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है उस पर हमें 15% तक पहुंचना है। राइट यदि आप झारखंड में हैं तो आप झारखंड से आगे निकलो, ये फ्यूचर की प्लानिंग आपकी मुझे लग रही है, एम आई राइट? राइट सर, और मैं बता रहा हूँ कि हमारी ऑलरेडी टीम जो है वो जा चुकी है बाहर भी। मेरा एक फ्रेंड थाईलैंड में है, वहाँ भी हमारे संपर्क हो चुका है, वहाँ भी आईडी लग चुकी है। तो ये मैं एक्चुअली सर बिहार में इसको फैलाना चाह रहा हूँ, बिहार में बहुत तेज़ी से फैल चुका है, झारखंड में भी तो जा ही चुका है, बिहार के मैं इसको, मैंने मेरी जो प्लानिंग है, अभी हम लोगों ने न्यू बिहार लीडर्स करके एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें सिर्फ बिहार के ही लीडर्स को ऐड किया है, क्योंकि मेरा जो मकसद है फ्यूचर को कि बिहार को मैं पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करूँ, फिर मतलब कि ब्लॉक वाइज कवर करूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं जो विलेज वाइज कवर करूँ, ताकि एक्चुअली सर जो हमारा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसकी कमी की वजह से आज भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास नॉलेज की कमी है, सब लोग इतना नहीं नॉलेज की है, तो वो नॉलेज, वो फाइनेंशियल नॉलेज हम लोगों को देना चाहते हैं गाँव तक पहुँच करके। टाइम लगेगा बट इसमें सक्सेस ज़रूर होंगे, और जो अंदराई होता है सर का जो मिशन विजन है और कंपनी का जो मिशन विजन है वो हमारा भी मिशन और विजन दोनों है सर, क्योंकि हम कंपनी का मिशन विजन साकार करेंगे तो हमारा भी मिशन विजन ऑटोमेटिक साकार होगा और उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है हमारे एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा कंपनी दे रही है। हमने ये सोचा नहीं था कि अभी ये प्रोजेक्ट आएगा, हमने सोचा भी नहीं था कि ये प्रोजेक्ट आएगा वो लेके आ जा रहे हैं, वो हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं ड्राइवर सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है कि हम लोग को कैसे कवर करना है, टीम हम लोग खड़े कर सकते हैं स्टेट वाइज भी अलग अलग, और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लोग अलग अलग टीम के हैं, 2-4-10 लोग हर जगह हैं, लेकिन पूरे स्टेट कवर करना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी विलेज लेवल पे, विलेज है उसके बाद ब्लॉक है फिर सब डिविजनल है फिर डिस्ट्रिक्ट है, सर ये 3 चीज़ें 4 चीज़ों में बारीकी से काम कर रहा हूँ, और बिहार के मैंने बहुत सारे लीडर कलेक्ट किए हुए हैं, अभी आपको 15-20 दिन 1-2 महीने के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कहा था हमारे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, हमने कहा था कि हमारे पास एक होनहार लीडर जो हम लेके आए बिहार से, और एक इतने मतलब ऐसे मान लो जिनको बिंदास अनुभव है, जो कि हम बैंगलोर से यानी कि जो लेके आए हमारे हमीद सर, वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को बताया, इनके पास हमीद सर के पास ब्लॉकचेन का लेके बहुत अच्छी नॉलेज है, IT विभाग की बहुत अच्छी नॉलेज है, प्लस इन्होंने जो भी मेहनत की, जो भी इन्होंने अनुभव प्राप्त किया अपने जीवन में वो आप लोगों को बताया, और ऐसे ही राजेश रजाक जी ने बल जमीन से उठ के जो आज तक मुकाम हासिल किया वो उसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगता है अपनी जीवनी बताने के लिए, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, क्योंकि अपनी जीवनी बताना ही बहुत कठिन होता है। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, उनमें लिखा है साफ शब्दों में कि जो अपने जीवन की पूरी घड़ियाँ याद रखता है, जो जैसे जैसे घटना घटी है वो कभी बैक नहीं हो पाता, वो आगे ही बढ़ता है, क्योंकि उसे वो डर सताता रहता है मेरा ये जीवन का काल चक्र रहा है, अगर मैंने ये गलती की तो मैं इधर चला जाऊंगा, वो गलती नहीं करता क्योंकि उन गलतियों से सीखता हुआ आगे चला जा रहा है। तो मैं हमीद जी आप वापस आ रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप ऐसा मैसेज दीजिए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं आपकी प्रेरणा से, आपके अनुभव से, वो इस समुदाय के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करें, ऐसा एक मैसेज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे ऑडियंस को दीजिए। डेफिनेटली सर, सर मैं ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, और एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारी इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें, डीप डाउन जाएं, देखें क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, इसको समझें, अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है,
अपने आप को एजुकेट करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को आप समझ पाए होंगे। अच्छे से आप एजुकेट करें और डेफिनेटली जिस तरह से अगर आप इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट इन एंड आउट, डेफिनेटली आप अपने आप काम करने लोगों से, इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप अपने आप को एजुकेट करने के बाद आप किसी को पूछेंगे नहीं, आप अपने आप काम करने लगेंगे। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि मतलब इसको बस अपने आप को एजुकेट करें। बस कहने का मतलब आपका ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे नीम समुदाय का आपके पास आता है तो ज्यादा से ज्यादा आप उससे सीखने का प्रयास करें। कहने का मतलब या हमारे ऑडियो देखें, हमारे वीडियो देखें, या हमारे वेबिनार देखें, या हमारे सेमिनार से देखें, यानी 100% लर्निंग लर्निंग लर्निंग, यही कहने का आपका तात्पर्य है हमी सर, आप यही कहना चाहते हैं? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली यही कहना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमी जी आपके अनुभव के लिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस देख रहे होंगे, वो आपको व्यू भी दे रहे होंगे फेसबुक पे, बहुत अच्छा कमेंट भी दे रहे होंगे आपको, तो आप भी जो है। चलो मैं एक बार फिर राजेश जी के पास चलता हूँ। राजेश और एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे थैंक्स बोलना है मेरे ऑडियंस को, उन्होंने अटेंशन किया और सुना, और मैं हरी सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और न्यू का, और हमारे काउंसिल मेंबर्स का, और आपका भी। तो जस्ट आई वांट टू थैंक एवरीवन। थैंक यू हमीद जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतना प्यार करते हो। हम आपसे आज 1.5 साल से हम आप लोगों को मिले हुए हैं, हम लोग जैसे काफी दिन से वैसे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात लगभग हम लोग 1.5 साल से बहुत ज्यादा घनिष्ठ कनेक्ट हो गए और इतना प्यार हो गया है, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे वाकई में हमें मौका मिला अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने का, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हम भी ऐसा ढूंढ रहे थे, हमारे भी सपने थे, ये सपने हमारे तुम्हारे जो साकार हुए ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने जिसका नाम बड़े मैं सभ्यता से शालीनता से आदर के साथ अदब के साथ लेना चाहूंगा, वह नाम है मिस्टर अंद्राय हुब्रातो। उसने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसने जिसके द्वारा हमें हमें हमारे अपने जीवन की कहानी बताने को, हमें अपने जीवन में अर्निंग करने का, हमें अपने फ्यूचर पे आगे बढ़ने का, मतलब प्रेरणा से प्रेरणा जोड़ते चले जा रहे, आगे से आगे हमें बढ़ाते चले जा रहे, और हमारे को बोलने का कला, हमारे लिए ऐसे ऐसे कोच तैयार किए बोलने की कला, हमारे को ऐसे ऐसे कोच दिए जो उन्होंने हमारे स्किल सही किए, हमें हमारे ऐसे कोच दिए जो हमारे शब्दों का भंडार कम था, जिसके पास एजुकेशन कम थी, किसी समय पैसे नहीं थे तो एजुकेशन नहीं ले पाए, शब्दों का भंडार कम था, वो शब्दों का भंडार इकट्ठा करवा दी, क्योंकि हम लोग ऐसी एजुकेशन प्राप्त करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे। बाकी मैं सलाम करता हूँ, मैं दोनों हाथों से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दे के हम लोगों की लाइफ सेट कर दी है, लाइफ सेट कर दी। तो मैं राजेश एंड रजाक, राजेश कुमार रजाक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लास्ट में ऐसा कौन सा मैसेज बिहार के या हमारे ऑल पीपल्स जो भी फेसबुक पे आपको देख रहे होंगे या देखेंगे, आज देख रहे हैं और देखेंगे क्योंकि हमारा लाइव चल रहा है, उसके बाद भी लोग देखेंगे, तो ऐसा कौन सा आपका मैसेज होगा जिससे कि वो आपसे प्रेरणा ले पाए, ऐसा कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे? सो प्लीज मंच आप। दो तीन मैसेज है मेरे लिए, सभी के लिए। सबसे पहली बात है कि आपको जो करना है करिए, कौन क्या सोचता है आपके बारे में ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी की दूसरे के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सोचने से फर्क पड़ता है। तो आपको जो पसंद है पहले वो काम करिए, किसी को सोचने पर छोड़ दीजिए कि कौन क्या सोच रहा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप फिनेंशियल एजुकेशन लीजिए, और जितने भी फैमिलियर पर्सन है वो अपने बच्चों को फिनेंशियल एजुकेशन अभी से देना शुरू करें। आपके बच्चे स्कूल में हो कॉलेज में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको जो रेगुलर एडिटी जो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वो दीजिए, बट साथ साथ फिनेंशियल एजुकेशन भी दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट एजुकेशन क्या है, पैसा कमाना है। हम पढ़ जाए, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमारा जो मोटो तो पैसा कमाना है। तो हम क्यों ना अभी तक अपने बच्चों को फिनेंशियल एजुकेशन दें, क्यों ना उनको हम 10% कैटेगरी वाला में कैसे आना है उसकी नॉलेज अभी दे दें, क्यों ना उनको हम अभी 10% कैटेगरी वाला लाने में लाने का प्रयास करें, क्यों उनको जॉब की दुनिया में ढकेले, क्यों ना उनको जॉब क्रिएटर बने, क्यों जॉब सीकर बनाए उनको हम। तो ये दूसरा मैसेज है, और लास्ट मैसेज ये है कि भगवान ने बहुत अच्छा लाइफ दिया है आपको, हम लोग इंसान ने जन्म लिए हैं, और ये जन्म को इस इंसान रूपी लाइफ को व्यर्थ में जाने दें,
या तो आप ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें, या कुछ ऐसा कर रही है कि 200 साल तक कम से कम लोग आपको पढ़ते रहें, कहीं ना कहीं जानते रहें, लोग करते रहें, ठीक है ना। तो दो तीन चीज़ें हैं, मैं ये मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग हैं उन सबके लिए मैसेज हैं, कुछ ऐसा करें कि लोग आपको याद करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मेरी बातों से किसी को अगर पहुँचा तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा ईमानदार, धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं ऐसे लोगों को चुन के लाया था जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, जिसमें हमीद सर थे और रजाक जी थे हमारे बिहार से। आप भी अपना नाम दे सकते हैं, अगर आपको अपनी रियल स्टोरी के बारे में बताना, तो हमारे जो ऑफिस के जो मैनेजर हैं मिस्टर प्रवीण राय, और आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वह सिस्टम है एक हमारा कि आप लीडरशिप काउंसिल के जो मेंबर हैं, आप अपना वहाँ पे फोटो और अपना रैंक भेजिए और आप उनसे संपर्क कीजिए, आप भी आ सकते हैं। मैं एक और मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर हमें कामयाब होना है और कामयाबी में हमारा बाधक बनने वाला है वो व्यक्ति, वो भी मैं ही हूँ, अगर मुझे कामयाब होना है तो भी मुझे ही आगे आना है, और अगर मुझे कामयाबी से कोई रोकने वाला है तो वो भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, अपने कदमों को आगे लाइए, क्योंकि यहाँ जिंदगी दाव पे क्या लगाओगे ये मांगती है। आपने जो दाव पे लगाओगे आपको उतने ही गुना वापस आएगा। अगर आपने दाव पे समय लगाया तो आपको समय फ्रीडम मिलने वाला है, अगर आपने दाव पे लर्निंग लगाई है तो आपको अर्निंग होने वाली है, समझ लो। यानी कि यहाँ पे अगर आपने एजुकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की ले ली तो आपको 100% अर्निंग आने वाली है। अगर आपने दाव पे अपना जो भी आपने अभी सम्मान को या अपमान लगता है कि मैं लोगों के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पास वही लौट के आने वाला है जो आपने सोचा है। इसलिए अच्छा सोचो, बेहतर सोचो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, ऐसा बिजनेस चूज करो जो कि आप ऑन घर पे बैठ के, यानी कि लाइव लोगों के साथ कनेक्ट रह के अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और वह बिजनेस है MLCI। MLCI आपका स्वागत करती है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के आप एक छात्र बनिए अच्छे, यहाँ से लर्निंग कीजिए और आप MLCI में आके अर्निंग कीजिए, और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप मिलेंगे जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मैं यहीं पे सेशन समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि एक एक बार आप लोग अपने ऑडियंस को और धन्यवाद बोलें, दोनों लोग वन बाई वन। तो हमें थैंक यू ऑडियंस मुझे सुनने का, थैंक्स अ लॉट, और बी सेफ, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू। मैं दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहूंगा अमीर की मैनेजमेंट टीम को, हैरी सर को, प्रवीण सर को, और हमारे जो ग्रेट कोच हैं मिस्टर रितेश सर, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। थैंक यू रितेश सर, थैंक यू न्यू मैनेजमेंट टीम, थैंक यू न्यू, थैंक यू इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडियन पीपल, थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। मेरा नाम और एक चुक गया, थैंक्स टू प्रवीण सर, नाम चुक गया था, थैंक यू प्रवीण सर। बाकी में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है हमारे जो इंडिया के मैनेजर हैं, बाकी में बहुत ही गुड लीडर। मैं पता भी नहीं था, मैं आज उनसे बात करने वाला था, मुझे पता भी नहीं था, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इवेंट के बाद इतना बड़ा बदलाव आएगा, और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्रवीण जी, वाकई में रियल। और फिर भी लोग हमारे जो है फेसबुक पे जुड़ के बहुत अच्छा सा नॉलेज भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे सारे सेशन देखें, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, थैंक यू सभी के लिए, धन्यवाद, और मिलते हैं नए सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए लीडरों के साथ, नई कहानी के साथ। थैंक यू, थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडियन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर सेशन क्लोज कर दें।